हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम 2019 के। तो सबसे पहले सितंबर माह की बात करते हैं। तो पहला है हमारा औरंगाबाद में खोला गया है पहला ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में औरंगाबाद औद्योगिक शहर का उद्घाटन किया है। यह देश का पहला नया स्मार्ट औद्योगिक शहर है और यह 10,000 एकड़ में फैला हुआ है। यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का भाग है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मंजिला इमारत औरिक भवन का भी उद्घाटन किया है, जो स्मार्ट शहर के लिए निगरानी और प्रशासनिक तंत्र केंद्र होगा। उन्होंने औरिक चैट बुक भी लॉन्च किया है, जो किसी भी समस्याओं को शहर प्रशासन द्वारा हल कराने में मदद करेगा। महाराष्ट्र के पिछड़े मराठवाड़ा क्षेत्र में विकसित इस शहर को देश का पहला ग्रीन फील्ड, याद रखिए, देश का पहला ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बताया जा रहा है। अगली खबर है हमारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 सार्वजनिक संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 सार्वजनिक संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा दिया है। सभी 5 विश्वविद्यालयों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे। वो विश्व स्तरीय संस्थान बनने का उद्देश्य को हासिल करने हेतु अपनी योजनाओं को पेश करना होगा। सूची में शामिल सार्वजनिक संस्थान इसके बाद 1,000 करोड़ रुपए के सरकारी अनुदान प्राप्त पाने के पात्र होंगे। निम्नलिखित संस्थानों को यह दर्जा दिया गया, तो याद रखिए, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और फिर अपना हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो कौन कौन से हैं 5 संस्थान? आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय। अगला है हमारा जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार देश के प्रत्येक घर में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन पर अगले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। जल जीवन मिशन में पानी की बचत करना तथा हर घर तक पानी पहुंचाना शामिल है। अगला है हमारा, पर्यटन मंत्री ने कुतुब मीनार में वास्तुकला संबंधी पहली एलईडी प्रदीपन व्यवस्था का उद्घाटन किया। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कुतुब मीनार में वास्तुकला संबंधी पहली एलईडी प्रदीपन व्यवस्था का उद्घाटन किया। प्रदीपन व्यवस्था के साथ 12वीं शताब्दी के स्मारक की वास्तुकला सूर्यास्त के बाद अपने इतिहास ऐश्वर्य को प्रदर्शित करेगी। यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल कुतुब मीनार दिल्ली के भ्रमण के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। अगला हमारा, दिल्ली के IGI हवाई अड्डे को भारत का सबसे ऊंचा ATC टावर प्राप्त हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सुरक्षा व हवाई परिवहन प्रबंध सेवाओं की क्षमता को बढ़ाने हेतु भारत का सबसे ऊंचा ATC टावर स्थापित किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली एयर ट्रैफिक सर्विस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जो 102 मीटर की ऊंचाई वाला भारत का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। टावर का उद्देश्य नियंत्रकों पर दबाव कम करना तथा हवाई यात्रियों को देरी से राहत प्रदान करना है। टावर में बेहतर परिचालन क्षेत्र दृश्यता के साथ 45 से अधिक कार्यस्थल और टावर में बहुस्तरीय सुरक्षा है। अगली बात करते हैं, INX मीडिया केस में पी चिदम्बरम को 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पी चिदम्बरम को 19 सितंबर 2019 तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यह आदेश दिल्ली की राजीव एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, जहां INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले के संबंध में पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ CBI के केस की सुनवाई चल रही है। अगला है हमारा, संस्कृति मंत्रालय ने 25 नई मोबाइल ट्रांस म्यूजियम बसों की शुरुआत की है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने लेह में पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए पहली मोबाइल साइंस म्यूजियम बसों को हरी झंडी दिखाई है। मंत्री ने साथ ही भारत के आकांक्षी जिलों के लिए 25 नई मोबाइल साइंस म्यूजियम बसों की शुरुआत की है।
अगला है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अर्थ मूवर द्वारा निर्मित पहली मेट्रो कोच का उद्घाटन किया है। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत के अर्थ मूवर द्वारा निर्मित पहले मेट्रो कोच का उद्घाटन किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने इसे केवल 75 दिनों में बनाया है। प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। तीनों कॉरिडोर यानी गोमुख, शिवाजी चौक, वाडाला CST और कल्याण तलोजा से प्रतिदिन 40 लाख से अधिक यात्रियों के आने जाने की उम्मीद है। BEML, जिसे पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला है हमारा, IIT दिल्ली साझा अनुसंधान और संरचना साथी की स्थापना करी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और संरचना सुविधा केंद्र स्थापित करेगा, जिसका नाम परिष्कृत विश्लेषणात्मक तथा एवं तकनीक सहायता संस्थान है। केंद्र IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में साथी केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का चयन किया है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों की मांगों को पूरा करने हेतु एक छत के नीचे पेशेवर के रूप से प्रबंधित सेवाएं प्रदान करना है। अगला है हमारा, आयकर विभाग ने एक दिन में 49 लाख ITR दाखिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आयकर विभाग ने अनुसार उन्होंने एक ही दिन में रिकॉर्ड आयकर रिटर्न दाखिल करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। ITR की ई फाइलिंग पर डेटा जारी करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि IT विभाग ने 31 अगस्त को एक दिन में 49,29,000 ITR के अब तक के उच्च रिकॉर्ड के साथ इतिहास बनाया। अगला हमारा, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा सितंबर महीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाल ही के मन की बात कार्यक्रम के में सितंबर 2019 के पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। सितंबर का महीना पूरा भारत में पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय रहा है पूरक आहार। ठीक, पोषण अभियान के बारे में बात करें तो संपूर्ण पोषण हेतु एक व्यापक योजना पोषण अभियान मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झुंझुनू राजस्थान से शुरू की गई थी। पोषण अभियान महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय की योजना है। पोषण का विस्तृत नाम है प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। अभियान में न्यूनतम विकास, अल्प पोषण, एनीमिया को कम करने तथा समय समय पर न्यूनतम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% बस कर कम करने का लक्ष्य रखा गया। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 0 से 6 वर्ष के बच्चों को में कुपोषण को 38.4 से 25 तक कम करना है, 25% तक कम करना है। अगली खबर हमारी, देश भर में 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करेगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत में 12,500 आयुष केंद्रों की स्थापना करने के सरकार के लक्ष्य की घोषणा की है, जिसमें से सरकार वर्ष 2019 में ऐसे 4,000 केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में योग संवर्धन विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु विजेताओं को योग पुरस्कार देने का घोषणा की है। अगला हमारा, देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश में चेरलोपल्ली और रायपुर के बीच देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग और वेंकट चलम एवं ओबिला और पल्ले के बीच विद्युतीकृत रेलवे रेल लाइन का उद्घाटन किया है। रेल सुरंग की लंबाई 6.6 किलोमीटर है। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चेरपल्ली और रायपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित है। सुरंग की ऊंचाई की बात करें तो 6.5 मीटर और संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई 5.2 मीटर रखी गई है। अगली बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय के
अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है। सीडीआरआई को 23 सितंबर 2019 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली यूनाइटेड नेशन जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शुरू करने का प्रस्ताव है। चलिए अब अगस्त माह की राष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं। तुम्हारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन सगुण का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन सगुन का शुभारंभ किया है। सगुन को दो अलग अलग शब्दों शाला अर्थात स्कूलों और गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी से मिलाकर बनाया गया है। स्कूल शिक्षा सगुन भारत सरकार और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टलों और वेबसाइटों के लिए एक संयोजन बनाकर स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की एक विशेष पहल है। अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, इसे याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। वैसे भी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश से इस फिटनेस मूवमेंट में शामिल होने और फिट और बेहतर भारत बनाने की अपील की है। देशव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य हर भारतीय को अपने दैनिक जीवन में फिट रहने के सरल आसान तरीकों को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। अगला है हमारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हरित कार्यों के लिए 47,436 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 27 राज्यों को वन रोपण के लिए 47,436 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। धनराशि को क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष से जारी किया गया। धनराशि का उपयोग क्षतिपूर्ति वनीकरण, वन्य जीव प्रबंधन, वनों की आग के रोकथाम, वनों में मिट्टी और नमी संरक्षण से संबंधित कार्य, संरक्षित क्षेत्रों में से गांवों के स्वैच्छिक पुनर्वास आदि के लिए किया जाएगा। अगला हमारा, विश्वविद्यालयों द्वारा 4 फर्जी डिग्रियों की बिक्री की जांच के लिए यूजीसी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कुछ विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी डिग्रियों की बिक्री के आरोप की जांच के लिए यूजीसी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की स्थापना केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूजीसी को मामले की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के तत्काल गठन के निर्देश के बाद की गई थी। विशेष समिति की अध्यक्षता डॉक्टर डीपी सिंह करेंगे। उन्हें यूजीसी के सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समिति को 3 सप्ताह के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। अगली हमारी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी ने प्लास्टिक से मुक्तिकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देहरादून में बेकार प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र स्थापित किया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, याद रखिए। अगला है, भारत ने विश्व का पहला फिशियल PSID लॉन्च किया है। भारत बायोमेट्रिक शिफर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसमें नाविकों के चेहरों के बायोमेट्रिक आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे। चेहरे की बायोमेट्रिक पहचान की नई तकनीक आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं के साथ 2 उंगलियों या आंख आधारित बायोमेट्रिक डेटा पर एक उल्लेखनीय प्रगति है। यह SID धारक की पहचान को अपने पद अथवा गोपनीयता की रक्षा करते हुए अधिक विश्वसनीय और कुशल बना देगा। BSID परियोजना को उन्नत कंप्यूटरिंग विकास केंद्र के सहयोग से शुरू किया गया है। अगली बात करते हैं, सरकार ने मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम लॉन्च किया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों को जन औषधि दवाओं और दुकानों को आसानी से खोजने में सक्षम बनाएगा। अब हमारा सौर ऐप प्रोजेक्ट, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने महाराष्ट्र में मुंबई में आयोजित लगमे फैशन विंटर फेस्टिव 2019 में दीर्घकालिक फैशन की दिशा में एक प्रोजेक्ट सूर का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट का लक्ष्य ऐसे दीर्घकालिक फैशन की ओर बढ़ना है जो स्वच्छ वातावरण में योगदान देता है। सियोर
प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी दें तो सियोर का अर्थ है सस्टेनेबल रिजुलेशन। यह कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण संभवनीय लक्ष्यों की स्थापना के लिए उत्तरोत्तर एक व्यापक ढांचे। अगला हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत की राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सिंगल विंडो शेयर सुविधा के साथ शिक्षा के संसाधनों को परोक्ष भंडार का ढांचा विकसित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी NMIECT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत शुरू किया गया है। अब हम अगली खबर हमारी, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नेशनल सेंटर फॉर एवियन इको टॉक्सिकोलॉजी का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस में नेशनल सेंटर फॉर एवियन इको टॉक्सिकोलॉजी का उद्घाटन किया है। अगला है महासागरीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा का दर्जा प्रदान किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने महासागरीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सभी हितधारकों को स्पष्ट किया गया कि महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे ज्वार तरंग महासागरीय उसमें ऊर्जा रूपांतरण का उपयोग करके उत्पादित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा। इस फैसले से देश में महासागरीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। यह गैर नवीकरणीय खरीद आबंधों को पूरा करने हेतु महासागरीय ऊर्जा को उपयुक्त बनाएगा। अगला है हमारा, भारतीय रेलवे 2 अक्टूबर से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित करेगी। प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए के एक कदम के रूप में रेल मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को 2 अक्टूबर 2019 से सभी रेलवे स्टेशनों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। अगला है हमारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। हुनर हाट मास्टर कारीगरों को रोजगार तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक प्रभावी कार्यक्रम सिद्ध हुआ है। अगला हमारा, हर्षवर्धन ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर गाजियाबाद में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय प्रयोगशाला खाद्य प्रयोगशाला क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में ओ ब्लू फ्रीडम की शुरुआत हुई है। खेल मंत्री किरण रिजिजू और भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया ने दिल्ली में ओ ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है। यह एक एकल जिसमें सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों का एक समूह खेल में रुचि रखने वाले लोगों को उत्तरजीविता और आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करता है। ओक ब्लू फ्रीडम विकलांग लोगों के साथ सक्षम लोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्कूबा डाइविंग कार्यक्रम है। यह मूल कार्यक्रम स्पेशल फोर्सेस एडवेंचर्स के तहत आता है। अगला हमारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने निष्ठा की शुरुआत की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक और शिक्षण समग्र उन्नत पहल की शुरुआत की है। दुनिया में अपनी तरह का पहला शिक्षक प्रशिक्षण होगा। निष्ठा देश भर में सरकारी स्कूलों की संख्या 42 लाख तक करेगी। विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का मूल उद्देश्य छात्रों में समीक्षात्मक सोच विकसित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना और समर्थ बनाना है। अगला हमारे, अमेजन के दुनिया के सबसे बड़े परिसर का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। अमेजन ने हैदराबाद में अपना दुनिया का सबसे बड़ा परिसर खोला है। परिसर 1.8 मिलियन वर्ग फुट में फैला है और यह
इसमें 15,000 कर्मचारी के बैठने की जगह है। यह अमेजन की अमेरिका के बाहर पहली अपनी इमारत है और यह सिएटल मुख्यालय जिसमें लगभग 1,55,000 संविदा कर्मचारी हैं के बाहर इसका सबसे बड़ा तकनीकी बेस भी हो है। अगला है भारत MSME के लिए ई कॉमर्स पोर्टल भारत क्राफ्ट लॉन्च करेगा। केंद्र सरकार MSME के लिए भारत क्राफ्ट नामक एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह पोर्टल अलीबाबा और अमेजन जैसे अन्य ई कॉमर्स पोर्टल पर आधारित है। यह पोर्टल MSME को अपने उत्पादों का व्यापार करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और क्षेत्र को बढ़ावा देगा। MSME केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत क्राफ्ट पोर्टल में अगले 2 से 3 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न करने का समर्थ है। अगला है भारत ने 15 अगस्त 2019 को 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने भाषण में निम्नलिखित बिंदुओं को संबोधित किया है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के बाद एक राष्ट्र एक संविधान की भावना एक वास्तविकता बन गई है। पर्यटन क्षेत्रों में सुधार के लिए बड़ी गुंजाइश और सभी को 2022 तक भारत के भीतर कम से कम 15 पर्यटन स्थलों को का दौरा करना चाहिए। भारत अगले 5 वर्षों में $5 अरब की अर्थव्यवस्था बन सकता है। सरकार आधारित संरचना के निर्माण में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सभी घरों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। सरकार इसके लिए 3.5 लाख रुपए का व्यय करेगी। इंग्लैंड में GST के कार्यान्वयन द्वारा एक राष्ट्र एक कर का लक्ष्य हासिल हुआ है। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में एक राष्ट्र एक ग्रिड का लक्ष्य हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आदर्श वाक्य दिया, डिजिटल पेमेंट हो या नगद हो ना कहे, डिजिटल पेमेंट को हाँ नगद को ना कहें। अगला है किसान के बैंक खातों में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का हस्तांतरण उन लोगों के लिए जारी है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। गांव में 1.5 लाख कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। अगला है हमारा हरदीप पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 शुरू किया है। आवास और शहरी मामले के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का 5वां संस्करण शुरू किया है जो जनवरी 2020 से आयोजित किया जाना है। जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में 2019 के लिए भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण का दूसरा संस्करण लॉन्च शुरू किया है। अगला हमारा किसान की सहायता के लिए ट्रैक्टर के लिए उबर नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। कृषि मंत्रालय और केंद्र ने किसानों की को सस्ती कीमत पर अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच बनाने में सहायता करने के लिए एक कृषि उपकरण किराए पर लेने की ऐप लॉन्च करने का फैसला किया है। किसान कृषि उपकरण बुक कर सकते हैं और किराए पर लेकर उनका उपयोग कर सकते हैं। इस पहल के माध्यम से छोटे किसान उन प्रौद्योगिकी से लैस उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनेंगे जो उनके महंगे होते हैं। सरकार द्वारा ऐप का नाम ट्रैक्टर के लिए उबर लोकप्रिय ऐप उबर को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। जैसे उबर लोगों को गाड़ियों से जोड़ता है वैसे ही यह ट्रैक्टर के लिए उबर जमीनी स्तर के लोगों और किसानों तक पहुंचेगा। अगला है हमारा कोरस कमांडो और रेलवे सिक्योरिटी। भारतीय रेलवे के लिए एक विशेष रेलवे इकाई और रेलवे सुरक्षा बल RPF के लिए एक नई स्थापना पुस्तिका केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक समारोह में लॉन्च की गई है। अगला है मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना टाटा ट्रस्ट के सहयोग से की जाएगी। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास उद्यमिता मंत्री ने कहा है कि विश्व स्तर के भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट के सहयोग से मुंबई महाराष्ट्र में की जाएगी। अगला हमारा भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने महानिदेशक अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है ताकि मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने के उद्देश्य से रक्षा खरीद की प्रक्रिया को संशोधित और संरेखित किया जा सके। अगला हमारा विसार भारती नीलम शर्मा के सम्मान में नीलम शर्मा तेजस्वी पुरस्कार और अच्युतानंद
साहू पुरस्कार नाम से दो पुरस्कार प्रारंभ हुए। 20 अगस्त 2019 को भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि एजेंसी दूरदर्शन समाचार की भूतपूर्व एंकर नीलम शर्मा, जिनका 17 अगस्त 2019 को कैंसर के कारण निधन हो गया था, कि स्मृति में दो पुरस्कार नीलम शर्मा तेजस्वी पुरस्कार और अच्युतानंद साहू पुरस्कार प्रदान करेगी। मंगला माला लखनऊ के प्रतिष्ठित हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर 16 अगस्त 2019 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में उनके पहली पुण्यतिथि के अवसर पर अटल चौक कर दिया गया। वह लखनऊ से 5 बार संसद रहे हैं। उनके नाम पर अटल स्मृति उपवन नामक एक स्मारक भी बनाया जाएगा। अगला हमारा पंजाब के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को जंगे आजादी के तीसरे चरण को समर्पित किया है। 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंडमान 73वें संविधान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंडमान सेलुलर जेल में बंदी बने कीर्तित नायकों को जंगे आजादी के तीसरे चरण का को समर्पित किया है। जंगे आजादी स्मारक के विषय में बताएं तो यह पंजाब के जलंधर शहर के पास करतारपुर में बनाया गया एक स्मारक और संग्रहालय है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाबी समुदाय के बलिदान और योगदान की स्मृति में बनाया गया है। अगला हमारा सद्भावना दिवस, याद रखिए स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस या सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन परिवार के करीबी सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य वीर भूमि पर फूल और माला अर्पित कर उनकी स्मृति और विरासत को सिद्धांजलि देते हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी की 75वीं जयंती थी। अगली बात करते हैं इंटरलाइट्स मोहाली में भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल। पंजाब में मोहाली ट्रैफिक पुलिस ने भारत का पहला वायरलेस 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे इंटेलाइट्स कहा जाता है। यह वायरलेस सेंसर सिस्टम का उपयोग करके स्मार्ट बर्ड आई व्यू के साथ ट्रैफिक सिग्नल को विनियमित करने के लिए एक इंटेलिजेंस जेंट ट्रैफिक टाइमर कंट्रोल का प्रस्ताव रखता है। इसी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर मोहाली में एयरपोर्ट रोड के पास ट्रैफिक क्रॉसिंग पर लगाया गया है 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल। इंटेलाइट्स चितकारा यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला हमारा विशाखापट्टनम विजयवाड़ा के बीच चलने वाली दूसरी उदय एक्सप्रेस है। भारतीय रेलवे की दूसरी उदय एक्सप्रेस उत्कर्ष डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में व्यस्त रूट्स पर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच चलेगी, जो भारतीय रेल के 18 रेलवे जोन में से एक है। यह पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस की सेवा कोयम्बटूर और बेंगलोर के बीच जून 2018 में शुरू हुई थी। बेंगलोर सिटी और चेन्नई सेंट्रल के बीच एक और उदय एक्सप्रेस प्रस्तावित है। अगली बात करें तो 3 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत औद्योगिक संकेत रजिस्ट्री ने निम्नलिखित वस्तुओं को भौगोलिक संकेत मिल दिया है, तो केरल से तिरूर के पान के पत्ते, मिजोरम से तल्लो हप्पू आन वस्त्र को और मिजो पुआन चेई सॉल को कपड़ा को। अगली बात करते हैं सरकार सभी CAPF कर्मी अब 60 साल की एक समान उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक हालिया आदेश के अनुसार सभी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल CAPF के कर्मचारी आधिकारिक निश्चित रैंक अब 57 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की एक समान उम्र में सेवानिवृत्त होंगे।
ये सभी बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के दायरे में आते हैं। अगली बात करते हैं तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती देश भर में 12 अगस्त 2019 को मनाई गई। उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक भी हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रयान 2 में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत के दूसरे चंद्र मिशन का नाम विक्रम रखा गया। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद गुजरात में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। अगली बात करते हैं तो हम लोग प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। अंतरराष्ट्रीय परिषद को प्रधानमंत्री और उनके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय में और 6 केंद्रीय मंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इसके सदस्य के रूप में पुनर्गठित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अंतरराष्ट्रीय परिषद के स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे। अंतरराज्यीय परिषद को राज्य के बीच विवादों पर जांच और सलाह देने के लिए गठित किया गया है। यह इस तरह के किसी भी विवाद पर सिफारिशें देने और नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश देने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जो पुनर्गठित परिषद के सदस्य होंगे, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण है जो वित्त मंत्री है हमारी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री हैं। अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख पद के निर्माण की घोषणा की है। रक्षा कर्मचारियों का पद CDS 3 सेवा प्रमुखों से ऊपर होगा। CDS का अर्थ है सरकार के लिए एक सूत्री सैन्य सलाहकार होना, जो तीनों सेवाओं के दीर्घकालिक नियोजन, प्रबंधन, प्रशिक्षण और सैन्य संचालन का समन्वय करेगा। CDS परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद कारगिल समीक्षा समिति द्वारा CDS की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसे तब लागू नहीं किया गया था। CDS चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की व्यवस्था को बदल सकता है, जो सेवाओं के सभी केंद्रीय फैसले लेता है और इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। सबसे वरिष्ठ सेवा प्रमुख COSC के अध्यक्ष और वर्तमान में वायु प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ है, जो सितंबर अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र कोष में $1 मिलियन का योगदान दिया। भारत ने संयुक्त समन्वय प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रयोजन ट्रस्ट कोष में $1 मिलियन का योगदान दिया। देश विशेष प्रयोजन ट्रस्ट फंड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के भीतर रखा गया है, एक विशिष्ट कोष है। अगली बात करें तो प्रधानमंत्री ने संसद भवन में डायनामिक फेसाड लाइटिंग का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में संसद भवन समिति की डायनामिक फेसाड लाइटिंग का उद्घाटन किया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 20 जुलाई 2019 को डायनामिक फेसाड लाइटिंग व्यवस्था का कार्य शुरू किया गया है और केवल 22 दिनों में यह कार्य पूरा हुआ है। अगली बात करते हैं, 4 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बच्चों के लिए हेड गियर अनिवार्य है, हेलमेट इत्यादि अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय 4 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बच्चों के लिए हेड गियर अनिवार्य कर दिया है। मोटरसाइकिल पर यात्रा करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों को मोटर वाहन अधिनियम 2019 में शामिल किया गया। बच्चों के लिए सुरक्षात्मक हेड गियर अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने मूल अधिनियम की धारा 29 को प्रतिस्थापित कर दिया। अगला है, राष्ट्रपति ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी है। विधेयक मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना और देश की परिवहन प्रणाली को पूरी जांच और मरम्मत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। विधेयक में सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों के लिए गोल्डन ओवर के दौरान कैशलेस उपचार की अनुमति देने की योजना प्रस्तावित है। अधिनियम के अनुसार गोल्डन ओवर आघात चोट के कारण 1 घंटे तक की समय अवधि, जिसमें सही चिकित्सा के माध्यम से मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक होती है। फिर अपना विधेयक में हिट एंड रन मामले के लिए न्यूनतम मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। मृत्यु की स्थिति में मुआवजा 25,000 से 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया और गंभीर चोट लगने पर 12,500 से 50,000 रुपए तक। कानून के तहत एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने के लिए
10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का स्थान पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1,000 रुपये जुर्माना और 3 महीने के लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब 100 रुपये के स्थान पर 500 रुपये तक का जुर्माना होगा। तेज गाड़ी गति में गाड़ी चलाने LMB हल्के मोटर वाहन के लिए 1,000 रुपये और मध्यम यात्री वाहन के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना। नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट ना लगाने पर 100 रुपये के स्थान पर 1,000 रुपये कर दिया गया जुर्माना। साथ ही किशोर द्वारा सड़क अपराध के मामले में अभिभावक गाड़ी के मालिक को दोषी बनाया माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार अभिभावक गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा और 3 साल के कारावास और मोटर वाहन के पंजीकरण को रद्द करने के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना दंड स्वरूप लगेगा। अगला है हमारा, दूरदर्शन ने एक देशभक्ति गीत वतन बनाया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर को अंकित करने के लिए एक देशभक्ति गीत वतन प्रसारित किया है। गीत गायक जावेद अली द्वारा गाया गया है। गीतकार आलोक श्रीवास्तव द्वारा लिखित और दुष्यंत द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। यह देशभक्ति गीत दूरदर्शन द्वारा निर्मित है। अगली बात करते हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने रोजगार समाचार का ई संस्करण लॉन्च किया है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह विशेषज्ञों द्वारा लिखित आजीविका उन्मुख लेखों के माध्यम से विभिन्न भागों में प्रवेश और जीविका के अवसर के बारे में जानकारी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अगला है हमारी, नई दिल्ली में केंद्रीय मानव विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जर्नी ऑफ टीचर एजुकेशन लोकल टू ग्लोबल नामक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन इसकी 1995 में हुई स्थापना रजत जयंती मनाने के लिए किया गया। अगली बात करते हैं, RPF द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन नंबर प्लेट। भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे परिचालित क्षेत्र पार्किंग और यहां तक कि नो पार्किंग क्षेत्रों में लंबी अवधि के लिए पार्क किए गए सभी वाहनों की पहचान और सत्यापन के लिए कोड नाम ऑपरेशन नंबर प्लेट के साथ एक विशेष अभियान चलाया। अगला है, एयर इंडिया नई दिल्ली और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली और साथ ही उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। अगला है हमारा, केंद्र ने स्वच्छ नगर ऐप लॉन्च किया है। स्वच्छ नगर ऐप को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। एक ऐसा ऐप जो उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट जल उपचार पर एक नए प्रोटोकॉल के साथ अपने शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट ठोस गीला एवं या निर्माण विनाश एकत्र करने की अनुमति देगा, जो शहरों की स्वच्छता रैंकिंग का एक हिस्सा बनेगा। अगली बात है, BIS लेह में पश्मीना परीक्षण केंद्र स्थापित करेगा। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के संयुक्त भारतीय मानक ब्यूरो पश्मीना लद्दाखी ललित उत्पाद के उचित मूल्य के लिए उच्च स्तरीय बाजार में पश्मीना उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेगा। लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के कुछ हिस्सों में विश्व स्तरीय पश्मीना उत्पादन होगा। अगला हमारा, गुजरात में स्थापित होने वाला पहला केंद्रीय रासायनिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान। रसायन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला केंद्रीय रसायन अभियांत्रिक औद्योगिक संस्थान गुजरात में स्थापित किया गया। यह अहमदाबाद या सूरत में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय रसायन उर्वरक राज्य मंत्री सदानंद गौड़ा द्वारा की गई है। अगला है, काबिल भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित है। 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को की भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। ये 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। अब बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद
370 और अनुच्छेद 35 को जम्मू कश्मीर से निरस्त कर दिया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया है, जो भारत संघ राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। इसके मुख्य बिंदु की बात करें, यह तय किया गया है कि जम्मू कश्मीर को एक विधानमंडल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाएगा और लद्दाख डिवीजन को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल के बिना बनाया जाएगा। अनुच्छेद 370 और 335 सॉरी अनुच्छेद 370 और 35 शेष की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, वहीं अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 35 से जिसे 1954 में राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह जम्मू और कश्मीर को मौजूदा स्थिति को कैसे बदलता है, तो याद रखिए देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने में सक्षम होगा। जम्मू कश्मीर अब अलग झंडा नहीं होगा, याद रखिए 370 और 35 से खत्म होने के बाद की स्थिति हो गई। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने में सक्षम होगा। जम्मू कश्मीर अब अलग झंडा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी। जम्मू और कश्मीर अब एक अलग राज्य नहीं बल्कि विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के बजाय 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर को दिया जाने वाला विशेष स्थान का खत्म कर दिया गया। RTI और CAG जैसे कानून भी अब यहाँ लागू होंगे। अब देश के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में नौकरी मिल सकती है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई विशेष अधिकार नहीं मिले। अगली खबर की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी में $5 मिलियन योगदान दिया है और संगठन के कार्य के लिए निरंतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राशि को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को सौंप दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA का मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है। अगली बात करते हैं तो नीति आयोग WTI अवार्ड का 4th संस्करण लॉन्च किया है। नीति आयोग महिला रूपांतरण भारत पुरस्कार के 4th संस्करण को लॉन्च करेगा। पुरस्कार का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से पूरे भारत में महिला उद्यमियों को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। WTI पुरस्कार 2018 के विषय को जारी रखते हुए इस वर्ष का विषय रहा है महिला और उद्यमिता। व्हाट्सएप ने WTI अवार्ड 2019 के लिए नीति आयोग के साथ हाथ मिलाया और यह पुरस्कार विजेताओं को $1,00,000 की सहायता राशि प्रदान करेगा। अगली बात करते हैं तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने COP14 के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक वेबसाइट UNCCDCOP14India.government.in लॉन्च किया, जिसमें COP14 से संबंधित सभी जानकारियां शामिल हैं। मरुस्थलीय से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय के लिए पार्टियों के सम्मेलन का 14वां सत्र 2 से 13 सितंबर 2019 को ग्रेटर नोएडा में भारत में होगा। अगला है, राष्ट्रपति कोविंद ने गाम्बिया में महात्मा गांधी और खादी पर प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए गाम्बिया इवून जन थिएटर में महात्मा गांधी और खादी पर प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया है। अगला है, ललित कला अकादमी में 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। ललित कला अकादमी में 5 अगस्त 2019 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। उत्तम पचारे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से 30वां संवाद हुआ। 30वीं प्रोएक्टिव गवर्नेंस तथा समयबद्ध कार्यान्वयन मंच की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नई दिल्ली में। यह योजना सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में शिकायतों की निगरानी के लिए शुरू की गई है। यह ई गवर्नेंस पहल सुशासन में एक अभिनव परियोजना है। यह विशिष्ट रूप से 3 नवीन
तकनीकों डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी को जोड़ता है। तीन स्तरीय प्रणाली या प्लेटफॉर्म सहकारी संवाद में अद्वितीय संयोजन प्रदान करता है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र सरकार के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। अब हम लोग बात करते हैं जुलाई माह की राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में गुजरात प्रथम स्थान पर आया। गुजरात सबसे ज्यादा रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाला राज्य बन गया। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 261.97 मेगावाट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता, जबकि पूरे भारत में 1,1754 मेगावाट है। गुजरात स्थापित रूफ टॉप की क्षमता के मामले में महाराष्ट्र 198.52 मेगावाट और तमिलनाडु 151.62 मेगावाट के बाद है। तो पहले पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगली सरकार वर्ष 2022 तक 40,000 बंदरगाहों की सौर परियोजनाओं की स्थापना करेगी। सरकार ने देश में वर्ष 2022 तक 40,000 मेगावाट की रोप टॉप और परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा है। परियोजनाओं में घरों की छतों पर सौर पैनल की स्थापना शामिल है। यह अनुमान है कि प्रति वर्ष 1.5 मिलियन यूनिट मेगावाट प्रति वर्ष सोलर रूफ टॉप संयंत्रों से स्थापित होगी। अगला है हमारा फोर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस रिलायंस सबसे अधिक रैंकिंग वाली कंपनी रही है, भारतीय कंपनी रही है। फोर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री ने अधिक रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी बनने के लिए 42 स्थान की छलांग लगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 106वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। OIOC 100 स्थान पर रही है और ONGC वैश्विक सूची में 160वें स्थान पर रही। आपको बता दें जबकि 236वें स्थान के लिए 23 स्थान पर बढ़ी है। टाटा मोटर्स 23 स्थान फिसल कर 265वें स्थान पर रही है। BPCL 39 पायदान चढ़कर 275वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि राजेश एक्सपोर्ट 90 स्थान की गिरावट के साथ 495वें स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, शीर्ष तीन कंपनियां हैं जो अमेरिका की वॉलमार्ट, चीन की राज्य के स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी सिनोपेक समूह और डच कंपनी रॉयल डच सेल को चीन के राष्ट्रीय पेट्रोलियम स्टेट ग्रेड के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगली बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा तक का ट्रायल रन पूरा किया। भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे रेलवे जोन ने भारत की सबसे तेज ट्रेन के रूप में जाने जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। ट्रायल रन दिल्ली से कटरा छोटे शहर जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया था। ट्रेन इसे ट्रेन 8 के रूप में भी जाना जाता है। यह 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही सकती है। यह चेन्नई स्थित रेलवे इस्पात उत्पादन ईगल इकाई इंटीगल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। अगला हमारा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 जारी। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं, जो 2014 की तुलना में तीसरा है। टाइगर की जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई के अवसर पर सार्वजनिक की गई है। शीर्ष पांच देशों में रहा है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264। याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और पूरे भारत में 2967। राज्यों के टाइगर जनसंख्या गिरावट देखी गई छत्तीसगढ़ और मिजोरम में, जबकि अन्य सभी राज्यों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश पेंच राष्ट्रीय रिजर्व में पाई गई। आपको बता दें इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। 2014 के बाद टाइगर आबादी में अधिकतम सुधार तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में पुनः विस्फोट हुआ है। अगली खबर की बात करें तो भारत आर्किड की 1256 प्रजातियों का घर है।
हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की गई ऑर्किड की पहली व्यापक जनगणना के अनुसार भारत में ऑर्किड प्रजाति या वर्ग की कुल तल संरचना संख्या 1256 पाई गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में पाए जाने वाले ऑर्किड की सभी प्रजातियों का विवरण प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार विवरण ऑर्किड 1256 प्रजातियां 155 वंश से हैं, जिसमें लगभग 388 प्रजातियां भारत के लिए स्थानिक हैं। विवरण में लगभग 775 प्रजातियों की तस्वीर भी उपस्थित हैं। मोटे तौर पर ऑर्किड को उनके जीवन के प्रारूप के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एपिफाइटिक स्थलीय, माइकोहेट्रोटॉपिक। अगली बात करते हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए मंत्री समूह का पुनर्गठन। अमित शाह करेंगे अध्यक्षता इसकी। 24 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए रूपरेखा की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समूह का पुनर्गठन किया है। नए पैनल के अन्य सदस्यों में महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल होंगे। अगला है 2019 के लोकसभा चुनाव में ई पोस्टल बैलेट 60.14% मतदान हुआ। इसमें 18,02,646 सर्विस इलेक्टर्स में से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का उपयोग करते हुए 10,84,266 ई पोस्टल बैलेट लोकसभा में 60.14% मतदान के संकेत मिले। चुनाव 2019-2014 में केवल 4% पंजीकृत किया गया था। अगली बात करते हैं गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए IEA ने PMUY की प्रशंसा की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फतेह बियोर ने गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने की पसंद के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रशंसा की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। PMUY इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च की थी। याद रखिए उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगली खबर की बात करें तो अमित शाह एयर इंडिया के विक्री पर मंत्री पैनल का नेतृत्व करेंगे। 18 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश पर एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैग्नेजियम नामक मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन किया है। समूह का नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अगली बात करते हैं केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति योजना के कार्यान्वयन के लिए 206.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 18 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि योजना के लिए 206.8 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी, जिसे कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य डबल किसानों के लिए वर्ष 2022 तक आया है। अगली बात करते हैं छत्तीसगढ़ शहर में बनेगा गार्बेज कैफे। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका अधिकारियों ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक अनूठा कचरा कैफे योजना शुरू की है, जो राख पिकर्स के लिए भारत का पहला कचरा कैफे बन गया। इस योजना को लागू करने के लिए बजट में प्रावधान लाया गया है, जिसमें अब शहर के गरीब और घुमंतू लोगों को कचरा प्लास्टिक के बदले भोजन कराया जाएगा। इस योजना के लिए आवंटन निधि ₹5.5 लाख। अगली बात करते हैं भारत नेट के तहत 1.28 लाख से अधिक ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हैं। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भारत नेट कार्यक्रम के तहत 1.28 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में उनके द्वारा उठाए गए कार्यों के फोटोग्राफिक साक्ष्य और लाभार्थियों को दी गई सहायता को अपलोड किया गया। भारत नेट परियोजना के बारे में बात करें तो इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग के तहत राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना, प्रबंधन और संचालन के लिए स्थापित किया गया, ताकि सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 100 MB/s
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। देश भारत में दूरसंचार में सुधार और डिजिटल इंडिया के अभियान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है। पिंक कोच को उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे द्वारा शुरू किया गया। भारतीय रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने गुलाबी रंग के साथ SLR कोच के एक विशेष हिस्से को चिन्हित करके एक अनूठी पहल शुरू की है। यह विशेष रूप से बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के साथ महिला यात्रियों की मदद के लिए किया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी। अगली बात करते हैं, दिबांग में 2880 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की दिबांग पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। 28,080.35 करोड़ रुपए की रणनीतिक परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपए की पूर्व निवेश और निकासी व्यय को मंजूरी दी है। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से मिसमी पहाड़ियों और पूर्वोत्तर पहाड़ी में बहती है। अगली बात करते हैं, इन्फोसिस ने रोमानिया में साइबर डिफेंस सेंटर लॉन्च किया है। इन्फोसिस ने रोमानिया के बुखारेस्ट में अपने अत्याधुनिक साइबर डिफेंस सेंटर का उद्घाटन किया है। डिफेंस सेंटर इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन सेंटर के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार है। रोमानियाई ल्यू रोमानियाई मुद्दा है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। घुड़ावर वर्ड और खरमोर के विलुप्त होने के से रोकने के लिए पैनल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दो भारतीय पक्षियों घोड़ा और वर्ड और खरमोर के संरक्षण के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को तत्काल बनाने और लागू करने के लिए कुछ उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। 3 सदस्य में डॉक्टर दीपक ओपटे, डॉक्टर असद आर रहमानी, डॉक्टर धनंजय मोहन शामिल हैं। अगला, 1 दिसंबर से टोल प्लाजा पर सभी लेन को फास्टैग लेन बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल शुल्क प्लाजा में सभी लेन को 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग लेन के रूप में घोषित करने का फैसला किया। फास्टैग यह इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन डिवाइस है जो वाहन में स्थापित किया जाता है, ज्यादातर बेंड स्क्रीन से जुड़ा है। वाहन चालकों को बिना रुके टोल प्लाजा से वाहन चलाने में मदद करता है। फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है ताकि वाहन चलते समय सीधे टोल भुगतान को सक्षम किया जा सके। फास्टैग से जुड़े बचत खाते के प्रीपेड से सीधे टोल का किराया काटा जा सकता है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, नेशनल डाटा क्वालिटी फोरम ICMR द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स ने भारत में स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता सुधार के लिए नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम लॉन्च किया है। अगला है हमारा, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की नई दिल्ली में शुरुआत की गई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर पहल की शुरुआत की गई है जो नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग को स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों में नवाचार केंद्र खोलने का काम सौंपा गया है। अगला, 65 शहरों के लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसों स्वीकृत हुई है नीति आयोग के अनुसार। नीति आयोग के अनुसार राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अनुसार एक अंतर मंत्री स्तरीय पैनल ने 65 शहरों में 8 राज्य परिवहन क्रमों के लिए अंतर शहर संचालन के लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। इस संबंध में घोषणा नीति आयोग की CEO अमिताभ कांत द्वारा किया गया। इस कदम में से ऑटोमोबाइल क्षेत्र शहरों को साफ करने और मेक इन इंडिया को सहज बनाने के लिए बड़ी प्रेरणा मिलेगी। नीति आयोग ने यह प्रस्ताव 31 मई 2025 के बाद देश में बेचे जाने वाले 150 cc की क्षमता से नीचे के सभी 2 पहिया वाहन इलेक्ट्रिक ही होने चाहिए, जबकि 31 मार्च 2023 के बाद देश में बेचे जाने वाले 3 पहिया वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए।
अपना अगला है उर्वरक सब्सिडी में चरण सेकंड डीबीटी का शुभारंभ किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने उर्वरक सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का चरण सेकंड लॉन्च किया। उर्वरक सब्सिडी में डीबीटी आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और रिसाव, लघु चोरी और कालाबाजारी के खिलाफ किसानों के जीवन में आसानी लाने की दिशा में एक कदम है। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थापित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंत्रालय द्वारा केंद्र की स्थापना की गई। कृषि विभाग उस्मान केंद्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के पारिश्रमिक अनुमोदन के तहत स्थापित किया गया है। यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार, कौशल निर्माण और उद्यमियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित है। अगली बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मोजाम्बिक यात्रा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 से 30 जुलाई 2019 तक मोजाम्बिक का दौरा किया है। यह राजनाथ सिंह की रक्षा मंत्री के रूप में अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है और साथ ही यह पहली बार है कि भारत के एक रक्षा मंत्री ने मोजाम्बिक का दौरा किया है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो, मोजाम्बिक मुद्रा है मेटिकल। डीडी न्यूज को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चैंपियनशिप ऑफ एम्प्रेथी अवार्ड मिला है। डीडी न्यूज दूरदर्शन हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चैंपियनशिप एम्प्रेथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुरस्कार प्राप्त किया है। विश्व बाघ दिवस 2019 जुलाई को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र के परिणाम जारी किए। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 में बढ़कर 2967 हो गई। भारत ने समय सीमा से 4 साल पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का अपना लक्ष्य 2022 प्राप्त कर लिया है। 526 सबसे अधिक बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524, उत्तराखंड 542 बाघों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता गैस बाजार बन गया है। भारत विश्व में उत्पादन, आयात और वितरण बुनियादी ढांचे के लिए $30 बिलियन के साथ विश्व का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता प्राकृतिक गैस बाजार बन गया है। चीन सबसे तेजी से बढ़ता पहला प्राकृतिक गैस बाजार है। अगला हमारा RPF द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन प्यास। RPF ने रेलवे परिसर में अनधिकृत पैकेज डिकिंग वाटर की बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन प्रयास लॉन्च किया है। अगला है हमारा, ब्लू फ्लैग चुनौती को हासिल करने की दौड़ में 12 भारतीय समुद्री तट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मॉडर्न के लिए चुना है, जो समुद्र तटों पर दी गई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो स्वच्छता और पर्यावरणीय शुद्धता के कुछ मानदंडों को पूरा करती है। ये जो समुद्र तट है, शिवराजपुर गुजरात में, घोघा द्वीप मीरावार गोवा में, कासरगोड पुदुबिदी कर्नाटक, कप्पड़ है केरल, ईडन है पुदुचेरी, महाबलीपुरम है तमिलनाडु, रसिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन है ये उड़ीसा में, राधानगर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। समुद्र तटों और मारियनों के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन FEE पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन द्वारा चलाया गया है। अगला है 16, केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। सभी प्रौद्योगिकियों परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बीच केगा जनरेटिंग स्टेशन के यूनिट फर्स्ट द्वारा 962 दिनों के निरंतर संचालन में केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कर्नाटक ने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। KGS फर्स्ट घरेलू ईंधन से भरे एक स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ने 16 नवंबर 2000 को वाणिज्य परिचालन शुरू किया था। अगली बात करते हैं, 7वीं आर्थिक जनगणना त्रिपुरा से शुरू हुई। भारत सरकार ने त्रिपुरा से 7वीं आर्थिक जनगणना शुरू की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जनगणना करेगा। यह 5 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जाएगा।
फील्ड वर्क दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। मार्च 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम उपलब्ध होने की उम्मीद है। पिछली आर्थिक जनगणना की बात करें तो छठी आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी संचालित किया गया था। 1977 में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई थी, 1980 में दूसरी बार जनगणना की गई और उसके बाद 1990 में तीसरी आर्थिक जनगणना की गई। चौथा संस्करण 1998 में हुआ, जबकि पांचवा आर्थिक जनगणना 2005 में आयोजित की। आर्थिक जनगणना का छठा संस्करण 2013 में आयोजित किया गया था। अगला हमारा, कैबिनेट ने NIOH के साथ NIMH के विलय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय खान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था नेशनल माइनर हेल्थ को भंग करने और ICMR NIOH इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद के साथ सभी संपत्तियों देनदारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत विलय करने की मंजूरी दी है। अगली, सरकार ने परमाणु संयंत्रों के लिए आयातित उत्पादों पर शुल्क माफ किया है। सरकार ने परमाणु संयंत्रों के लिए आयातित उत्पाद पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उपयोग के सभी सामान और यूरेनियम अयस्क के सभी प्रकार और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सारकृत द्रव पर अब कोई मूल सीमा शुल्क नहीं लगेगा। अगला हमारा, IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कुमकुम डाई DSSC का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल सौर सेल विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने डाई सेंसिटिव सोलर सेल नामक कम लागत वाली कुमकुम या सिंदूर वाले बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑफ द सेल शैली का उपयोग कर पर्यावरण के अनुकूल सौर सेल का विकास किया है। अंग्लैमर, सरकार ने 100 दिनों में सभी वप संपत्तियों का 100% डिजिटल लक्ष्य निर्धारित किया है। 29 जुलाई 2019 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने केंद्रीय वप परिषद द्वारा आयोजित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वप बोर्ड राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा है कि अपने पहले 100 दिनों में देश भर में वप संपत्तियों का 100% डिजिटलीकरण हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। GIS GPS भौगोलिक सूचिका प्रणाली ग्लोबल प्रोजिशनिंग सिस्टम मैपिंग का उपयोग IIT रुड़की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मदद से एक युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह पहली बार है कि सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वक्फ भूमि पर विभिन्न शैक्षणिक और विकासात्मक कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए 100% धन उपलब्ध कराया। अगला हमारा, खेलो इंडिया योजना के तहत 2000 से अधिक खेल प्रतिभाओं में पहचान की गई। खेलो योजना के तहत कुल 2437 खेल प्रतिभाओं की पहचान की गई है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी है कि इस योजना के तहत सरकार 8 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष लगभग 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंगला सरकार वर्ष 2022-23 तक कोयला उत्पादन को 1 बिलियन टन तक बढ़ाएगी। सरकार ने वर्ष 2022-23 तक देश में कोयले के कुल उत्पादन को 1 बिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। कोयला मंत्री ने कहा कि कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले की अपर्याप्त घरेलू उपयोगिता है। अगला हमारा, कैबिनेट ने NMC की स्थापना की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दी है। इस विधेयक में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को निरस्त करने का प्रावधान है। बिल की विशेषताओं को शामिल है MBBS की सामान्य अंतिम वर्ष की परीक्षा को नेशनल एग्जिट टेस्ट के रूप में जाना जाएगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल फॉर्म कोर्स में प्रवेश के लिए और विदेशी मेडिकल स्नातक की स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में लाइसेंस परीक्षा के रूप में काम करेगी। अगला है हमारा, संस्कृति मंत्री ने सफदरगंज मकबरे की वास्तुशिल्प अलंकरण का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्री ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक सफदरजंग के मकबरे की वास्तुकला अलंकरण का उद्घाटन किया। 17वीं
सदी की स्मार्ट को उजागर करने के लिए कुल 213 तकनीक रूप से उन्नत एलईडी लाइट का उपयोग किया गया। एलईडी लाइट की खपत पारंपरिक लाइट की तुलना में लगभग 62% है। अगली बात करते हैं, रेलवे द्वारा पहली पेंटिंग फेस हेरिटेज ग्वेलरी खोली गई। वेस्टर्न रेलवे जनरल स्टोर डिपो भारतीय रेलवे में पहला, जिसमें मुंबई में महालक्ष्मी में के बाद से वेस्टर्न रेलवे पेंटिंग फेस में इस्तेमाल की जाने वाली पेंटिंग और संबद्ध मशीन की एक विरासत गैलरी खुली। अगला है हमारा, उत्तराखंड राज्य को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। देश में घटते लैंगिक अनुपात और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को लक्ष्य बनाकर शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला चुना गया है। अगला हमारा, जयपुर का किला अब एक विश्व विरासत स्थल है। गुलाबी शहर जयपुर के किले को आखिरकार यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर लिया गया है। यह भारत की पहला योजनागत शहर था जिसमें जैसे सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727 में स्थापित किया था। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला एकमात्र दूसरा भारतीय शहर है। इसके साथ भारत में अब कुल 38 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। वर्ष 2017 में पुराना अहमदाबाद विरासत स्थल टैग जीतने वाला पहला भारतीय शहर था। वर्ष 2018 में मुंबई में द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेवल में दो विरासत स्थल किले की दीवारें और मरीन ड्राइव जिन्हें विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला है, सभी ब्रांड गेज नेटवर्क अब मानव रहित क्रॉसिंग से मुक्त होंगे। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को जानकारी दी है कि 31 जनवरी 2019 को देश भर में सभी ब्रांड गेज रेलवे रेल नेटवर्क से मानव रहित खत्म कर दिया गया है। अगला है, भारत के 6 महानगर वायु प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड के हॉटस्पॉट हैं। ग्रीन पीस पर्यावरण क्षेत्र के गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस द्वारा किए गए एक विश्लेषण में कहा गया है कि उपग्रह आधारित आंकड़ों के अनुसार परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र देश में सबसे गंभीर नाइट्रोजन ऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं। दिल्ली बेंगलोर मुंबई कोलकाता चेन्नई और हैदराबाद ये भी 6 हॉट स्पॉट हैं जहां वाहन परिवहन और डीजल का खपत ज्यादा है। अगला, कोयला खपत और औद्योगिक क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सोनभद्र सिंगरौली छत्तीसगढ़ में कोरबा उड़ीसा में तलचर और महाराष्ट्र में चांदपुर गुजरात में मुंद्रा और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर क्षेत्र भी समान रूप से NOx का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये आंकड़े फरवरी 2018 और मई 2019 के बीच एकत्रित किए गए थे। अगला है हमारे, UNWFP के साथ 50 वर्षीय साझेदारी के स्मरण में कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कॉफी टेबल बुक परिवर्तन के लिए 50 वर्षीय साझेदारी का लोकार्पण किया है। यह किताब भारत सरकार और भारत में खाद्य एवं कृषि एवं पोषण सुरक्षा के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के बीच साझेदारी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रस्तुत किए गए। संयुक्त राष्ट्र विकास खाद्य कार्यक्रम 1961 में की स्थापना हुई। इसे औपचारिक रूप से 1963 में खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय रोम इटली में। अगला हमारा, ऑपरेशन मिलाप 7 महीने में बचाए गए 333 लापता बच्चे। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन मिलाप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर के 333 लापता बच्चों को बचाया, उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में उनके परिवारों को सौंप दिया। अगला में हमारा, UIDAI में दिल्ली विजयवाड़ा में पहले आधार सेवा का बैंक का संचालन शुरू किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने दिल्ली और विजयवाड़ा में पहले आधार सेवा केंद्र का संचालन शुरू किया है। एक केंद्र पायलट परियोजना आधार पर काम करेंगे। UIDAI की वर्ष 2019 के अंत तक इस तरह के 114 केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना है। अगला हमारा, दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस निजी भागीदारों द्वारा संचालित की जाने वाली पहली ट्रेन है। पटरी पर चलाई जाने वाली बहुप्रतीक्षित रेलगाड़ी दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस जिसकी घोषणा वर्ष 2016 में की गई थी, निजी भागीदारों द्वारा चलाई जाने वाली पहली रेलगाड़ी है। अभी यह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। अगली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जुलाई 2019 को वाराणसी एयरपोर्ट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला हमारा, भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर गुजरात में शुरू हुआ है। भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फेस नोवा
टेक्सटाइल शहर सूरत में किया गया है। केंद्र फैशन डिजाइन क्षेत्र में शहर को बढ़ावा देगा। अगला हमारा टाटा स्टील कलिंग नगर को विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया। उड़ीसा के जाजपुर जिले में TSKWEF के लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला और एकमात्र भारतीय निर्माण संयंत्र है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के प्रतीक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें डॉक्टर मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। अगला है भारत को मार्च 2020 तक पहला ई व्हीकल चार्जिंग हाईवे मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत पहला राजमार्ग गलियारा 2020 तक दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा राजमार्गों पर बनने की उम्मीद है। अगला है हमारा भारत में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग बनाई गई। दक्षिण मध्य रेलवे में भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किया है। चेरलोपल्ली और रेपुरु स्टेशनों के बीच यह सुरंग 6.6 किलोमीटर लंबी है। यह कुल 460 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चेरलोपल्ली और रेपुर रेलवे स्टेशन के बीच होगी। दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में यह भारत रेलवे के 18 जोन में से एक है। जोन का अधिकांश क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसके प्रशासन के अंतर्गत 3 विभाग हैं जिनमें नांदेड़, सिकंदराबाद, हैदराबाद शामिल है। अगला है भारतीय रेलवे 7,000 से अधिक रेलगाड़ी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। भारतीय रेलवे ने मार्च 2021 तक मेन लाइन ट्रेनों के 7,000 से अधिक कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा है। अगला है हमारा सेना प्रमुख ने कारगिल श्रद्धांजलि गीत जारी किया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कारगिल शहीद और युद्ध के जाबाजों को सम्मान सलामी और श्रद्धांजलि देने के लिए एक कारगिल श्रद्धांजलि गीत जारी किया है। इस गीत को प्रख्यात हिंदी गीत का समर अनजान ने तैयार किया है और शत्रुद कबीर ने गाया है। यह गीत 26 जुलाई को मनाए गए जाने वाले कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के रूप में जारी किया गया। चलिए ये थी राष्ट्रीय घटनाएं जुलाई की 2019। अब इस लेक्चर में बात करते हैं, इसी लेक्चर में हम लोग देखते हैं जून की राष्ट्रीय घटनाएं। सभी पंचायतों में मार्च 2020 तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सरकार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को मार्च 2020 तक भारत सरकार परियोजना के तहत उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। परियोजना का चरण सेकेंड कार्यान्वित किया जा रहा है और मार्च 2020 तक कुल 2 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। यह परियोजना देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के आखिरी छोर तक सस्ती उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। कार्यवाहक मंत्रालय परियोजना का कार्यान्वयन संचार मंत्रालय कर रहा है। अगला हमारा भारत अगले 5 वर्षों में मालदीव के 1,000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देगा। भारत के प्रमुख सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने मालदीव सिविल सेवा आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर क्षमता निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए। अगले 5 वर्षों में मालदीव 1,000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देगा। भारत अगले 5 वर्षों में मालदीव के 1,000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण करेगा। इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हालिया मालदीव की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। अगला मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पंचवर्षीय लक्ष्य योजना इक्वाइब को तैयार किया है। HRD मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम नामक एक पंचवर्षीय लक्ष्य योजना को अंतिम रूप दिया है, उसे जारी किया है। अगला है जापान ने मणिपुर को एक शांति संग्रहालय का तोहफा दिया है। जापान ने मणिपुर को एक शांति संग्रहालय उपहार दिया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर युद्धों में से एक की याद में बनाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रेड हिल में इम्फाल शांति संग्रहालय के उद्घाटन से इम्फाल की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। अगला है भारत माला के तहत 2022 तक बनाए जाएंगे 35,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग। भारत माला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।
अभय अमराला स्टेचू ऑफ यूनिटी प्रतिष्ठित 2019 वर्ल्ड आर्किटेक्चर न्यूज अवार्ड में शामिल। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी को मिश्रित उपयोग श्रेणी में प्रतिष्ठित वर्ल्ड आर्किटेक्चर न्यूज अवार्ड 2019 में शामिल किया गया। यह प्रतिमा नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टेचू ऑफ यूनिटी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पण में याद में बनाई गई है, जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। स्टेचू ऑफ यूनिटी का निर्माण पद्म विभूषण प्राप्त करता मूर्तिकार राम बी सुतार ने किया है। अगला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिंघा को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया है। पीएम मोदी ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की योजनाओं के इंडिया थिंक टैंक नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी दी है। अध्यक्ष इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। अमिताभ कांत को नीति आयोग के सीईओ के रूप में 2 साल का विस्तार किया गया। ध्यान दें 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के 65 वर्षों की विरासत के बाद स्थापित किया गया है नीति आयोग। अब भारत का वन क्षेत्र 1% बड़ा है। पर्यावरण मंत्री के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा को जानकारी दी है कि भारत का वन आवरण पिछले 1 वर्ष की अवधि में 1% बड़ा है और भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.39% भाग भरा हो गया। अगला हमारा मुंबई मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन मुंबई की मीठी नदी के नीचे 170 मीटर लंबी सुरंग खोदेगी। मुंबई मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने मुंबई की मेट्रो लाइन 3 के एक भाग के रूप में मुंबई की मीठी नदी के नीचे 170 मीटर लंबी सुरंग खोदने की योजना बनाई है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी पानी के नीचे परियोजना है। पहली सुरंग है कोलकाता मेट्रो के लिए बनाई गई थी। अगली हमारे हैदराबाद तेलंगाना में आने वाला भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला है। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले सभी स्टार्टअप और संस्थानों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए तेलंगाना सरकार देश का पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित किया जा रहा है। राज्य ने ब्लॉकचेन जिले की स्थापना के लिए पिछले साल टेक महिंद्रा के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इसने परिचालन के पहले 3 वर्षों तक लीज सेंट्रल पर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक 25% सब्सिडी का प्रस्ताव रखा है। अगला हमारे प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन परियोजना की समीक्षा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूरे महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पोराली की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की समीक्षा की है। अगला हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव माइकल आर पोम्पियो 25 से 27 जून 2019 को भारत आए थे। अगला हमारा अर्पणा कुमार 7 चोटियों की चुनौती पर विजय प्राप्त करने वाली पहली सिविल सर्वेंट और आईपीएस अधिकारी बनी है। उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में डीआईजी अर्पणा कुमारी ने माउंट डेनाली पर चढ़ाई की है। चोटी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में 20,310 फुट है ऊंचाई पर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह पहली सिविल सेवा और आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने 7 शिखरों पर चढ़ाई करने की अनोखी उपलब्धि हासिल की है। अगला है हमारा जीएसटी दिवस 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली वित्त मंत्रालय द्वारा छोटे उत्तरदाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का प्रस्ताव दिया गया। केंद्र या राज्य सरकार जो रिफंड करती है वह रिफंड के सभी चारों प्रमुख स्रोत जैसे केंद्र जीएसटी, राज्य जीएसटी और अंतर्राष्ट्रीय जीएसटी और उपकर में बट जाता है। वस्तु के लिए दोहरी देहली सीमा राज्य की पसंद के अनुसार 40 लाख रुपए की देहली सीमा माल की आपूर्तिकर्ता को पेश की जाती है। सेवाओं के लिए संगठन योजना यह योजना 6% की कर दर के साथ 50 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए ई चालान प्रणाली B2B व्यवसाय से व्यवसाय लेनदेन के लिए चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली को पेश किया जाना प्रस्तावित है। GSTAT विभिन्न राज्य मुख्यालयों और क्षेत्र पीठों में जीएसटी अफिलियन न्यायाधिकरण की भी स्थापित की जा रही है। अगला है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ब्रिटेन भारत संबंधों में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई।
24 जून 2019 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में सांसद संसद के सदन में भारत दिवस को चिन्हित करने के लिए ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जावेद ने ब्रिटेन भारत संबंध 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। भारत की वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ब्रिटेन भारत संबंधों को आगे बढ़ाने में वाली 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का कदम उठाया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक ग्रामीण भारत में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किसानों की आय दोगुनी करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषक समुदाय के बीच तकनीकी प्रसार के लिए देश में जिला स्तर पर 713 कृषि विज्ञान केंद्रों और 684 कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसियां स्थापना की है। सरकारी विद्यालय समग्र शिक्षा के तहत लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत योजना समग्र शिक्षा की शुरुआत की है, जो कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से लागू है। बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा की यह कलाप समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला हमारा, नेशनल फ्रेट इंडेक्स सड़क भाड़ा बाजार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से गुरुग्राम स्थित भारतीय तकनीक कंपनी रिवेगो ने राष्ट्रीय भाड़ा सूचकांक जारी किया। यह सूचकांक देश भर में विभिन्न मार्गों और वाहनों के लिए भाड़े की वर्तमान दरों तक आवाज पहुंच प्रदान करेगा। माल परिवहन का देश की जीडीपी में 14% योगदान है। अगला हमारा, 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 17 जून से प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वीं लोकसभा में शपथ लेने वाले सर्वप्रथम सांसद थे। नई लोकसभा का उद्घाटन सत्र अपने नए सदस्यों के शपथ समारोह के साथ शुरू हुआ है। 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 26 जून तक चलेगा। भाजपा सांसद वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। वह मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से 7वीं बार सांसद बने हैं। अगला है हमारा, सरकार ने ESI योगदान की दर को 6.5% से घटाकर 4% किया। सरकार ने 2 दशक में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों के योगदान की कुल दर को कम किया है। वर्तमान समय में कर्मचारी की मासिक आय का 4.75% भाग ESI में कर्मचारी अंश के रूप में जमा होता है और कर्मचारी का वर्तमान अंश आय का 1.75% है। अगला हमारा, दिल्ली मेट्रो देश में अवशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने वाली पहली परियोजना बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम देश में अवशिष्ट ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त करने वाली पहली परियोजना बन गई है। इसने गाजीपुर में स्थित 12 मेगावाट क्षमता के अवशिष्ट ऊर्जा संयंत्र से 2 मेगावाट बिजली प्राप्त करना शुरू कर दिया है। अगला हमारा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल देने का लक्ष्य रखा है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसमें वर्ष 2024 तक घरों तक वर्तमान 18% से 100% तक पाइप। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसमें वर्ष 2024 तक घरों तक वर्तमान 18% से 100% तक पाइप जल की पहुंच बढ़ाना शामिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में साफ पेयजल की पहुंच 5% से भी कम है। केवल सिक्किम में ऐसा एकमात्र राज्य है जहां 99% घरों में नल का पानी आता है। अगला है, अब सभी राज्य विदेशी न्यायाधिकरण का गठन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिक आदेश 1964 में संशोधन किया और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जिला न्यायाधीशों को किसी विदेशी नागरिक के भारत में वैधानिक रूप से निवास करने के प्रश्न पर निर्णय लेने के न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति दी। चलिए अब हम मई की राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं, घटनाएं देखते हैं मई 2019 की।
नए जल बोर्ड का गठन। केंद्र सरकार ने जल संसाधन और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। रतन लाल कटारिया नवगठित मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। भावना कांत लड़ाकू विमान पर दिन के मिशन पर जाने के लिए पात्र होने वाली पहली महिला पायलट है। फ्लाइट लियूटिनेंट भावना कांत भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान पर दिन में मिशन करने वाली पहली महिला पायलट बन गई। भावना कांत ने MiG-21 वायुसेना पर दिन संचालन पाठ्यक्रम पूरा किया है। भावना लड़ाकू टोली से 2017 में जुड़ी थी और उन्हें वर्ष 2018 में MiG-21 वायुसेना पर पहली अकेली उड़ान भरी। अगला हमारा भारत को वर्ष 2020 के लिए वैश्विक आपदा कटौती और क्षतिपूर्ति सुविधा केंद्र का सर्वसम्मति से सह अध्यक्ष चुना गया। यह निर्णय जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित GFDRR की CG बैठक में लिया गया है। यह GFDRR 2019 का छठा सत्र है। अगला है देश ने पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 2019 को उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर याद किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांति वन में है। 2019 के लोकसभा चुनाव की मुख्य बातें देख लेते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में आयोजित हुआ है। परिणामों की घोषणा 23 मई को की गई। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु में वेल्लोर में चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अशोक लवासा और सुशील चंद्रा भारत के अन्य दो चुनाव आयुक्त हैं। मोदी इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में वापसी के बाद बहुमत से सत्ता में वापसी करने वाली पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अभी तक सर्वाधिक मतदान भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में 67.10 मत पड़े, जो आम चुनाव में अभी तक पड़े मतों में सर्वाधिक है। इससे पहले सबसे पहले अधिक मत 66.44 मत वर्ष 2014 के आम चुनाव में पड़े थे। हिमाचल प्रदेश मतदान केंद्र 143 मत प्रतिशत मतदान उपस्थिति के साथ विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग केंद्र हिमाचल प्रदेश में तासीगंध गंग जिले में है। ये है 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र 142.85% मतदान उपस्थिति के साथ विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। इसमें बता दें 14% महिला सांसदों के साथ 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक है। वर्तमान की बात करें तो संसद 78 महिलाएं हैं, जो आजादी मिलने के बाद सबसे ज्यादा अधिक है। PRS कानूनी शोध के अनुसार इस बार संसद में 309 निर्वाचित सांसद हैं। 197 सांसद दूसरी बार के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। चुनाव लड़ने वाली 716 महिला उम्मीदवारों में से 78 को चुना गया है, जो कि सदन का 14% है। तो यहाँ याद रखिए 716 महिलाएं उम्मीदवार थी, जिनमें 78 सांसद चुनी गई। यह 2014 की तुलना में देखें, जहां उस समय संसद थी 62 महिलाएं। तो याद रखना है अपन को क्या, 78 महिलाएं 2019 में लोकसभा में और 62 थी 2014 की लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में 2019 में भाजपा के प्रदर्शन की बात करें तो इसमें 303 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े बहुमत वाले दल के नेता में उभरी। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन पार्टी 353 सीटें जीती। कांग्रेस ने 52 सीटें जीती। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने कुल 91 सीटें जीती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर लोकसभा में आवश्यक 10% यानी कि 54 सीटें जीतने में विफल रहा है। भारत आधिकारिक विपक्षी दल से वंचित रह गया। याद रखिए विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% सीटें आवश्यक होती हैं। अगला है द्रविड़ मुन्नेत्र
काजगम 23 सीटें जीतकर तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। भाजपा ने 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सभी सीटें जीती हैं। ये राज्य अरुणाचल प्रदेश में सभी जीती, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली तथा चंडीगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक मत प्राप्त हुए। भारतीय इतिहास में सबसे युवा संसद की बात करें तो उड़ीसा से बीजू जनता दल के प्रत्याशी चंद्रानी मुर्मू 25 वर्षीय इंजीनियर स्नातक 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद बनी है। वह है क्योंछर उड़ीसा में से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई है। उड़ीसा से 7 महिला सांसद हैं जो कि उड़ीसा को अपनी कुल 21 सीटों में से 33% महिला सांसद प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। सबसे युवा सांसद का यह रिकॉर्ड अब तक 16वीं लोकसभा में हरियाणा के सार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व करने वाली जननायक जनता पार्टी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला के पास था। वह हरियाणा के प्रसिद्ध राजनेता ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। अगली बात करते हैं, विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में आयोजित हुए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम में। आम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव आयोजित हुए। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक को लगातार रिकॉर्ड 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र हैं। वह पवन पवन चामलिंग और ज्योति बसु के बाद किसी भारतीय राज्य के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का एकमात्र तीसरे मुख्यमंत्री हैं। हाल ही राज्य विधानसभा चुनाव में बीजन ने कुल 146 सीटों में से 112 सीटें हासिल की हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमंग, जिसे लोकप्रिय रूप से PS गोले कहा जाता है। 28 मई 2019 को सिक्किम के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली है। हालिया विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा दल ने कुल 32 सीटों में से 17 सीटें जीती। इसके विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 15 सीटें अपने खाते में जीती। श्री PS तमंग ने पवन कुमार चामलिंग का स्थान लिया, जिनके पास भारत में किसी राज्य का सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। पवन कुमार चामलिंग ने वर्ष 1994 से 2019 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री पद का संभाला है। अब बात करते हैं, श्री गंगा प्रसाद सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल हैं, याद रखिए। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। वह आंध्र प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में YSR कांग्रेस ने 175 सीटों में से 151 सीटें जीती। 5 साल पहले तेलंगाना राज्य से अलग हो जाने के बाद N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ESL नरसिम्हा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू ने दूसरी बार के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। वह अरुणाचल प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व में श्री खांडू ने कुल 60 सीटों में से 41 सीटें अपने नाम की हैं, जबकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने केवल 4 सीटें ही जीती हैं। ब्रिगेडियर BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला हमारा इराक, साल 2019 में भारत के कच्चे तेल के सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। वाणिज्यिक बौद्धिकता तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इराक लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान का नंबर आता है। विश्व में कुल कच्चे तेल के निर्यात का भारत चीन कुल 7%, कुल चीन कुल आयात का 20% कच्चा तेल उत्पाद करता है। अमेरिका 13.8% के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल तेल आयातकों के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। भारत 7% पे। भारत के कच्चे तेल का आयात इसकी 80% तेल की जरूरतों को पूरा करता है। अगला हमारा कोंकण रेलवे का नेपाल रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत और नेपाल ने डीजल से चलने वाली डेमो ट्रेन की खरीद का एक समझौता किया है। यह समझौता भारत के कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेपाल के रेलवे विभाग के बीच 2 1600 डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के वितरण के लिए किया गया। ट्रेनों का निर्माण भारतीय रेलवे के स्वामित्व में और इसके द्वारा संचालित एंट्री गेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। अगला हमारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू
उपराष्ट्रपति ने वेदांत देशिका की 750वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया। 2 मई 2019 को उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने नई दिल्ली में श्री वेदांत देशिका और उनके अमूल्य योगदान की 750वीं जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी किया है। अगला है हमारा फैनी चक्रवात के बारे में। शक्तिशाली चक्रवात फैनी की उड़ीसा तट से टकराने पर 1.2 मिलियन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। फनी नाम से एक भयंकर चक्रवाती तूफान के कारण हाल ही में 3 मई 2019 को उड़ीसा तट पर पुरी में एक गंभीर भूस्खलन घटना हुई है। लगभग 175 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति के साथ चक्रवात फैनी 1999 के बाद उड़ीसा में सर्वाधिक तबाही मचाने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। हालांकि सरकार ने 11 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा अर्जित की है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान उड़ीसा संस्थान ने उड़ीसा के फैनी चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों की आपूर्ति के लिए लगभग 1 लाख भोजन पैक तैयार किए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1950 में हुई और इसका मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। अगली है भारत और बांग्लादेश शेख मुजिबुर रहमान पर आधारित फिल्म का संयुक्त निर्माण करेंगे। भारत और बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश लोकतंत्र गणराज के संस्थापक के जीवन और कार्यों पर आधारित फिल्म का संयुक्त निर्माण करेंगे तथा साथ ही बांग्लादेश में के स्वतंत्रता युद्ध 1971 पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता प्रसार भारती इस फिल्म का संयुक्त निर्माण करेगा। अगला है भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक की दोबारा जिम्मेदारी मिली है। भारत को अंतर सरकारी मंच आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक के रूप में दोबारा चुना गया है। यह निर्णय 11वीं आर्कटिक परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक में रोवेनेमी फिनलैंड ने लिया है। परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को भी नया पर्यवेक्षक चुना है। भारत को इससे पहले यह दर्जा साल 2013 में स्वीडन में आयोजित किरूना मंत्री स्तरीय बैठक में मिला था। भारत 2008 से नॉर्वे के स्वालबार्ड में आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमादी में आर्कटिक परिषद 8 प्रतिद्वीपीय देश नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड आइसलैंड डेनमार्क कनाडा अमेरिका और रूस से बना है। अब है हमारी अप्रैल 2019 की राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब है हमारा अप्रैल का देखा है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यह भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करती है। रैंकिंग इस प्रकार है। समग्र रैंकिंग की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। समग्र रैंकिंग में SIISC बेंगलोर दूसरे पर और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। तो मद्रास पहले पे, IIT मद्रास पहले पर, IISc बेंगलोर दूसरे पे, IIT दिल्ली तीसरे पे। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की बात करें तो विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलोर को पहला, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU को दूसरा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को BHU को तीसरा स्थान मिला है। इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें तो IIT मद्रास पहले स्थान पर है, इसके बाद दिल्ली IIT दिल्ली सेकंड पे, उसके बाद मुंबई को रखा गया है। मैनेजमेंट स्कूल IIM बेंगलोर को पहला स्थान मिला है, IIM अहमदाबाद को सेकंड और IIM कलकत्ता को तीसरे स्थान पर। जामिया हमदर्द को शीर्ष फार्मेसी संस्थान के रूप में घोषित किया गया। अखिल भारतीय आयुष आयुर्विज्ञान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज के रूप में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज लॉ स्कूल के रूप में चुना गया है। अगली खबर की बात करें तो रेल टेल ने 1600 रेलवे स्टेशनों को रेलवे वाईफाई जोन में बदल दिया है। रेल टेल अब देश भर के 1600 रेलवे स्टेशनों पर रेल वायर वाईफाई सेवा दे रहा है। मुंबई का संता क्रूज रेलवे जंक्शन
रेलवे वाईफाई, वाईफाई जोन बदल बनने वाला 1600वां स्टेशन बन गया है। रेलवे रेल वायर रेल टेल की एक खुदरा ब्रॉडबैंड पहल है। रेल टेल 1 साल के भीतर सभी स्टेशनों पर तेज और मुफ्त वाईफाई सेवा देने की दिशा में काम कर रही है। अगला है हमारा भारत के सर्वश्रेष्ठ विदेशी इंटरेक्टिव पक्षी उद्यान का मुंबई में शुभारंभ हुआ है। भारत के पहले वर्षा वन विषय वाले विदेशी इंटरेक्टिव बर्ड पार्क को गोराई मुंबई में खोला गया है महाराष्ट्र में। यह 60 से अधिक प्रजातियों के 500 से अधिक विदेशी पक्षियों का आवास है। इस पार्क का निर्माण 6 बिलियन डॉलर समूह के एक्सएसएल समूह की मनोरंजन शाखा रसेल वर्ल्ड लीजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला है हमारा गगनदीप कांग को पहली भारतीय महिला FRS बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर गगनदीप कांग बेटेन की फेलोशिप के 358 साल के इतिहास में रॉयल सोसाइटी की फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। 56 वर्षीय यह महिला फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक हैं। अगली बात करें, रत्नागिरी रिफाइनरी महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थानांतरित हो सकती है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में प्रस्तावित 44 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परियोजना को पड़ोसी रायगढ़ जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है। रायगढ़ राज्य के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित रत्नागिरी रिफाइनरी को किसानों स्थानीय भूस्वामियों के विरोध के बाद स्थानांतरित करने का फैसला किया है, जिन्हें इस परियोजना के कारण क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों का नुकसान पहुंचने अल्फांसो आम और काजू के बागानों को प्रभावित होने का डर है। दिसंबर 2015 में घोषित की गई रत्नागिरी रिफाइनिंग परियोजना को 2022 तक चालू किया जाना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में देरी ने समय सीमा को 2025 तक बढ़ा दिया। रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो परियोजना को लागू कर रहा है, 3 सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्प, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एक संयुक्त उद्यम है। सऊदी अरामको और अबू धाबी नेशनल रॉयल कंपनी के पास संयुक्त रूप से रत्नागिरी रिफाइनरी में भारतीय तेल कंपनियों के 50% अंश के अतिरिक्त शेष 50% का स्वामित्व होगा। अगला है हमारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत में ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बना। असम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से स्वच्छ और हरे भरे वातावरण में यात्री सुविधाओं प्रदान करने के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बन गया। ISO प्रमाणन कई प्रकार के होते हैं और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन द्वारा प्राप्त किया गया ISO 14001 जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है, जो 2015 में जारी किए गए थे। इस प्रकार स्टेशन का प्रमाण पत्र ISO 14001 अनुपात 2015 है। अगली बात करें, केंद्र सरकार ने गुजरात के गिर में एशियाई शेर संरक्षण के लिए 59 करोड़ रुपये आवंटित किए। सरकार द्वारा विलुप्त होने वाली प्रजातियों में से एक मानी जाने वाली शेरों के संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने गुजरात सरकार के सहयोग के साथ शेरों का घर माने जाने वाले गुजरात में 3 वर्षीय एशियाई शेर संरक्षण परियोजना को शुरू की है। 98 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसके लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 59 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिससे 3 साल 2018-19, 2020-2021 तक शेर के निवास स्थान का प्रबंधन, रोग नियंत्रण, उनके लिए पशु चिकित्सा देखभाल बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला है हमारा, ICMR ने मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान सहयोग की शुरुआत की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान सहयोग भारत का शुभारंभ किया है, जो कि 2030 तक भारत से बीमारी को खत्म करने के लिए मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है। भारत के राष्ट्रीय विषाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ने 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। भारत में बायोमेडिकल शोध नियम बनाने, सहयोग बढ़ावा देने के शीर्ष निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
दुनिया में सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सीय अनुसंधान निकायों में से एक है। ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं मार्च 2019 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात में। तो अब पहला है अड़ानी 200 MMT कार्गो यातायात का रिकॉर्ड बनाने वाला पहला भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर बन गया। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने घोषणा की कि उसके पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर 9 बंदरगाहों पर 200 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक कार्गो आवाजाही की है, जो कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला प्रथम बंदरगाह नियंत्रक बन गया। अगला हमारा व्हाट्सअप डिजिटल साक्षरता लाने के लिए नेसकॉम के साथ कार्य करेगा। व्हाट्सअप नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने आम चुनाव से पहले झूठी खबरों के खतरे को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। व्हाट्सएप और नेस्कॉम फाउंडेशन लगभग 1 लाख भारतीयों की झूठी जानकारी पहचानने के लिए प्रशिक्षित करेंगे और व्हाट्सएप पर सुरक्षित रहने के लिए टिप्स और ट्रिक प्रदान करेंगे। अगला हमारा भारत वरिष्ठ अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की भारत ने एक कुलीन अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। एक एंट्री सैटेलाइट वेपन ने पृथ्वी की निम्न कक्षा में एक सक्रिय उपग्रह को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत यह अंतरिक्ष क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश है। याद रखिए, अमेरिका है पहले नंबर, फिर रूस, चीन, उसके बाद भारत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने DRDO ने 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के डॉक्टर APG अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन शक्ति के तहत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल ने हिट टू किल मोड में सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में एक भारत की परिक्रमा कर रहे लक्ष्य उपग्रह को निशाना बनाया। अगला हमारा एंट्रीगल कोच फैक्ट्री दुनिया का सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बन गई है। भारतीय रेल की चेन्नई स्थित एंट्रीगल कोच फैक्ट्री शीर्ष चीनी निर्माताओं को पीछे छोड़ती है दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बन गई है। ICF ने चीनी निर्माताओं द्वारा 2600 कोचों की तुलना में अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक 2919 कोचों का निर्माण किया है। निर्मित डिब्बों की संख्या उसी समय की अवधि से में पिछली वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। एंट्रीगल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई तमिलनाडु में है स्थित रेल कोच का निर्माता है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में किया था। यह भारत रेलवे द्वारा केंद्र सरकार के अधीन एवं संचालित है। यह मुख्य रूप से भारतीय रेल के लिए रोलिंग स्टॉक बनाती है। यह कई तरह के डिब्बों जैसे लिंक, हॉफमैन, वॉश, स्वचालित ट्रेन सेट जैसे इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेट का निर्माण करती है। यह जाम्बिया, फिलीपींस, तंजानिया, युगांडा, नाइजीरिया, थाईलैंड, म्यांमार, ताइवान, वियतनाम, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, अंगोला और श्रीलंका सहित अन्य देशों के लिए रेलवे कोचों का निर्माण करती है। यह भारतीय रेल को 3 कोच विनिर्माण सुविधा में से एक है, जिसमें अन्य 2 हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरतला और आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली। अगला हमारे गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर इब्राहिमा कसोरी फोफाना ने भारत का दौरा किया। गिनी की राजधानी है कोनाकी, मुद्रा है गिनी फैंक। अगली बात करते हैं भारत ने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को 250 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त मदद दी है। भारत ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों में अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अनुदान सहायता प्रदान की है। अगला हमारा CISF ने बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने यमुना एक्सप्रेस पर सबसे लंबी एकल पंक्ति साइकिल परेड का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह विश्व रिकॉर्ड अर्ध सैनिक बल CISF के 50 साल पूरे होने की स्मृति में बनाया है। इसके लिए केंद्रीय बल के कर्मियों ने साइकिलों के बीच समान दूरी रखकर एक पंक्ति में 1327 साइकिलों को बिना रुके चलाकर रिकॉर्ड कायम किया।
सरकार ने नए 20 रुपए के सिक्के की घोषणा की है। केंद्र ने 20 रुपए के नए सिक्के की घोषणा की है जो 12 किनारों वाले बहुभुज के आकार में आएगा। सरकार 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नए सिक्के जारी करने की योजना बना रही है। यहाँ ध्यान दें कि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 20 रुपए का नया सिक्का तांबा, जस्ता और निकल में बनाया जाएगा। यह 27 मिलीमीटर होगा और इसका वजन 8.54 ग्राम होगा। शेर के साथ अशोक स्तंभ प्रतीक के साथ सत्यमेव जयते मुद्रित होगा। इस पर प्रतीक के दाएं और हिंदी में भारत और बाएं और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। अगला यार हमारा वन नेशन वन कार्ड। 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है लोगों को कई परिवहन प्रणाली शुल्क के लिए निर्बाध भुगतान करने में सक्षम बनाना। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इस कार्ड के लिए ग्रेट एंड रीडर प्रोटोटाइप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया है। स्वदेशी रूप से विकसित पेमेंट इकोसिस्टम ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन ग्रेट गेट जिसे स्वागत नाम दिया गया और एक ओपन लूप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम जिसे स्वीकार कहा गया, इस प्रणाली को तकनीकी मदद प्रदान करेगा। पूरे देश में सिर्फ एक कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। आप सभी सेवाओं जैसे बस यात्रा, मेट्रो, मेट्रो टॉल पार्किंग, खुदरा खरीदारी और यहाँ तक कि जो पैसे निकालने के लिए एक एकल कार्ड यानी एक राष्ट्र एक कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस कार्ड की सेवा रुपे कार्ड पर मौजूद रहेगी, अतः लोग बिल और किराया देने के साथ ही इस कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग पैसे निकालने के लिए भी कर सकते हैं। अगला है भारत और मालदीव के बीच नया वीजा समझौता हुआ है। भारत और मालदीव के बीच नया वीजा समझौता लागू हुआ है। नई नीति मालदीव के नागरिकों के लिए एक उदार वीजा नीति प्रदान करती है जो भारत में शिक्षा और व्यवसायिक अवसरों के साथ साथ इलाज कराने के लिए प्रतीक्षारत है। अगला है भारत ने चीन में तीसरे आईटी गलियारे का शुभारंभ किया है। भारत ने चीन में अपने तीसरे आईटी गलियारे की शुरुआत की है। यह गलियारा भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच साझेदारी की सुविधा प्रदान करता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने आईटी गलियारे के विकास में मदद करने के लिए चीन के जियांगसू प्रांत के जुजाओ शहर के साथ साझेदारी की है। पहले दो गलियारे डालियान और गुईयांग शहरों में स्थापित हैं। अमेरिका भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करेगा। भारत अमेरिका ने और अमेरिका ने भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण से सुरक्षा और आसन्न परमाणु सहयोग को मजबूत बनाने का सहमत हुए हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी में AK-203 असाल्ट राइफल विनिर्माण इकाई की नींव रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में आयुध निर्माणी बोर्ड की फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए एक विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी। अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। विनिर्माण इकाई भारत और रूस के बीच AK-47 राइफलों को आधुनिक संस्करण का उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त तो उद्यम है। दुनिया में सबसे उन्नत राइफलों में से एक AK-203 का निर्माण अमेठी में होगा। AK-203 दिग्गज AK-47 राइफल का नवीनतम संस्करण है। आपको यह बता दें कि अमेठी में अब स्मृति ईरानी चुनी गई है। 2019 में जो नए चुनाव हुए हैं लोकसभा, इसमें राहुल गांधी वायनाड से चुने गए हैं, यहाँ से हार गए हैं। ठीक, अगला है हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस विभाग ने गुजरात के भरूच में आधुनिक किंते में प्रत्यारोपण किया था। 8 घंटों में रिकॉर्ड 260 लोगों के लिए प्रत्यारोपण किए गए। यह दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बनाया गया 7वां रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड था। अगला है हरदीप एस पुरी ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है, जहाँ संपत्तियों से संबंधित सभी 3 मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और उत्परिवर्तन को ऑनलाइन किया गया। यह लोगों को LNDO वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाएगा।
इससे जनता को अपने आवेदन पत्रों को जमा करने के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला हमारा लाल किले में आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री महेश भट्ट शर्मा ने नई दिल्ली में लाल किला परिसर में देश के स्वतंत्रता संग्राम के विस्तृत नायकों को समर्पित आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आजादी के दीवाने संग्रहालय महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में बात करता है। यह क्रांतिकारियों, बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानियों, बहादुर बच्चों के निस्वार्थ बलिदान को श्रद्धांजलि देता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया गया है। अगला है हमारा फरवरी 2019 की राष्ट्रीय खबरें। तो चलिए देखते हैं हम लोग ई औषधि पोर्टल। आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के ऑनलाइन लाइसेंस के लिए ई आईसी पोर्टल का शुभारंभ किया है। नया ई पोर्टल ई औषधि, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी स्वचालित दवा सहायता पहल का एक संक्षिप्त नाम है। डेरा बाबा नानक नानक भूमि पोस्ट को करतारपुर साहिब जाने के लिए आवाजन केंद्र के रूप में घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब के गुरुदासपुर जिले में स्थित डेरा नामक बाबा नामक भूमि पोस्ट को पाकिस्तान करतारपुर साहिब गुरुद्वार जाने और वापस आने के लिए एक अधिकृत आवर्जन चेक पॉइंट के रूप में नामित किया गया। ध्यान दें कि करतारपुर साहिब गलियारा पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारे को भारत के गुरुदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक मंदिर से जोड़ता है। करतारपुर साहिब गुरुद्वार पाकिस्तान में सीमा से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने राजस्थान में टाइटन वाला संग्रहालय का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी बगाऊ में टाइटन वाला संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जो छिपा समुदाय की बगरू हस्तखंड छपाई का प्रदर्शन करता है। बगरू छपाई प्राकृतिक रंग के साथ छपाई के पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसके बाद राजस्थान का छिपा छपाई है। बगरू हैंड ब्लॉक छपाई का 1000 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट परिसर में स्थित एक नए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला है वाला LADIS पोर्टल का शुभारंभ। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के में सहायता के लिए एक नया पोर्टल लेडिस न्यूनतम उपलब्ध गहराई का शुभारंभ किया है। लेडिस राष्ट्रीय जलमार्ग पर चलने वाली अंतरदेशीय जहाजों के दिन प्रतिदिन के संचालन को बेहतर बनाएगा और सेवा और संचालन में किसी भी बाधा को से बचाएगा। अगला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का वाराणसी में उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा वाराणसी में वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय वाराणसी में पवित्र दशाश्वमेध घाट के पास गंगा के किनारे स्थित मान महल में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक के अंदर स्थापित है। अगला हमारा पीएम मोदी ने सर्वप्रथम डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन में रूपांतरित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने दुनिया में पहली बार डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बदलकर इतिहास रचा है। इस सभी नए परिवर्तित ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हरी झंडी दिखाई। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का शुभारंभ किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तर्ज पर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत 9वीं, 10वीं, 11वीं कक्षा के 7 लाख कक्षाओं और अगले 3 वर्षों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की 2 लाख कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से लैस किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और नए अवसरों और शिक्षण और सीखने के नए तरीकों को शुरू करना है।
अगला है हमारा, राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय नंबर 112 लॉन्च किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह व महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नई दिल्ली में नागरिक सुरक्षा पहलों की शुरुआत की है। संकट में फंसे व्यक्ति एवं अखिल भारतीय नंबर 112 डायल कर सकते हैं। 112 हेल्पलाइन जो पहले हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में शुरू की गई थी, इसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के तहत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा चुका है। अगला है हमारा, सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां राष्ट्र बना है। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां राष्ट्र बन गया है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनावरण किया गया था। इसका मुख्यालय ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम भारत में है। अगला है हमारा, भारत ने पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद जिसमें सीआरपीएफ के 44 जवान मारे गए थे, भारत ने सबसे तरजीही राष्ट्र का MFN का दर्जा वापस ले लिया जो उसने पाकिस्तान को दिया था। भारत विश्व व्यापार संगठन के गठन के ठीक एक साल बाद 1996 में पाकिस्तान को सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा दिया था। सबसे अधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा विश्व व्यापार संगठन के सभी साझेदार देशों के बीच गैर भेदभावपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करने के किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदारी को दिया जाता है। एक देश जो दूसरे देश को MFN का दर्जा प्रदान करता है उससे व्यापार समझौतों में रियायतें, विशेषाधिकार और वित्तीय रक्षा प्रदान करती है। यह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में पहला खंड है। अगला हमारा, संसद के केंद्रीय हॉल में अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का अनावरण किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का अनावरण किया है। अगला हमारा, धूसर तिंदुआ को 2022 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर चुना गया। मेघालय राज्य के गठन के 50 साल पूरे होने पर राज्य के पशु धूसर तिंदुआ को 2022 राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर चुना गया। मेघालय 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। मणिपुर और असम द्वारा क्रमशः 1999 और 2007 में राष्ट्रीय खेलों का की मेजबानी करने के बाद मेघालय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा पूर्वोत्तर राज्य बना है। अगला है, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोटेक 2019 का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का 13वां संस्करण का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की देखरेख में पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया जा रहा है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगला बात करते हैं, डेरा बाबा नानक भूमि के चेक पोस्ट को आव्रजन केंद्र के रूप में चुना गया। केंद्र सरकार ने पंजाब के गुरुदासपुर जिले में डेरा बाबा नामक भूमि चेक पोस्ट को पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वार जाने के लिए बाहर निकलने और प्रवेश के लिए अधिकृत आव्रजन चेक प्वाइंट घोषित किया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में केडाई यूथ कॉन 19 को संबोधित किया है। इस यूथ कॉन का विषय है अगली पीढ़ी। अगला हमारा, आयुष मंत्री ने ई औषधि पोर्टल का शुभारंभ किया है। श्रीपद येसो नाइक आयुष राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी होम्योपैथिक दवाओं और संबंधित मामलों के ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए ई आयुष पोर्टल का लॉन्च किया है शुरू किया है। भारत और नॉर्वे ने समुद्री प्रदूषण से लड़ने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर भारत नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल के गठन के लिए एक आसर पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2019 से 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला हमारा, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता आयातक देश बना। अपनी प्रधान योजना के अंतर्गत भारत 8 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य हासिल करने के बाद दुनिया में रसोई गैस का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। पेट्रोलियम मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार 2018-19 में रसोई गैस का आयात पिछले 5 वर्षों में 12.5% से बढ़कर 12 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान से द्रवित पेट्रोलियम गैस का आयात करता है। अगला है हमारे प्रधानमंत्री ने नए लेह में विभिन्न विकास परियोजनाओं को के लिए आधारशिला रखी है। अगला है हमारा भारत का पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 2018 में 19% की वृद्धि की दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंस के अनुसार देश के पर्यटन क्षेत्र ने पिछले साल 234 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त किया, जो 19% से अधिक की वृद्धि है। अगला है हमारा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई में भारत आकार परियोजना देश के इतिहास में पहली अपनी तरह की पहली परियोजना है शुरू की है। इंडिया साइज का उद्देश्य मुंबई में रेडी टू वियर कपड़े उद्योग के लिए एक मानक भारतीय आकार प्रदान करना है। अगला है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गाय और उनकी संतान के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आयोग पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या केंद्र या राज्य सरकार के विभागों या संगठनों के सहयोग से काम करेगा, जो गाय के प्रजनन और पालन, जैविक खाद, बायोगैस आदि के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में संलग्न है। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा की गई थी। अगला हमारा भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में कमीशन किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमा वरम मंडल के टोंडरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। यह आंध्र प्रदेश और राज्य में मछली और समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से संचालित पहला मेगा एक्वा फूड पार्क होगा। अपना अगला है करीना कपूर खान को स्वस्थ प्रतिरक्षित भारत अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया। अभिनेत्री करीना कपूर खान को स्वस्थ प्रतिरक्षित भारत अभियान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेटवर्क 18 ने किया। अगला हमारा डेलॉयट ने भारत में विश्व स्तरीय पहल की शुरुआत की है। डेलॉयट ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत में अपनी पैसिव पहल वर्ल्ड क्लास शुरू करने की घोषणा की है। पहल को डेलॉयट के वैश्विक सीईओ पुनीत रंजन द्वारा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में लॉन्च किया है। भारत में वर्ल्ड क्लास कार्यक्रम स्कूल में लड़कियों की संख्या सुधारने, उच्चतर शिक्षा परिणामों को बेहतर बनाने और महिलाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करेगा। भारत में इस पहल का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से 2030 तक 10 मिलियन लड़कियों और महिलाओं को सक्षम बनाना है। अगला है रेल मंत्री ने रेल दीक्षा डैशबोर्ड लॉन्च किया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह भारतीय रेल में सभी डिजिटलीकरण प्रणाली प्रयासों का शामिल करता है और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। डैशबोर्ड एक ही मंच पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी लाता है और देश के प्रत्येक नागरिक को प्रमुख सांख्यिकी और मापदंडों तक पहुंच प्रदान करता है। अगला हमारा संस्कृत हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बिना किसी चर्चा के संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए राज्य भाषण संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। विधेयक के पारित होने के साथ हिमाचल प्रदेश देश में उत्तराखंड के बाद इस तरह का विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य है। अगला हमारा राष्ट्रपति ने संसद में केंद्रीय परिचय में अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का अनावरण किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का अनावरण किया है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का 13वां संस्करण का उद्घाटन किया है। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की देखरेख में किया जाए। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जनवरी की राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों के लिए 10% नौकरी आरक्षण देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। 10 जनवरी 2019 को संसद ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों और सामान्य श्रेणी में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के 124वां संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। संविधान में नए संशोधन के तहत 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय और 5 एकड़ से कम जमीन स्वामित्व वाले लोग आरक्षण के लिए पात्र होंगे। अगला है गुजरात सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने से जुड़े 124वें संविधान संशोधन विधेयक जो कि अब संविधान 103वां संशोधन अधिनियम है को स्वीकृति प्रदान की। 103वां संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण घटक निम्न है। संशोधन ने दो मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 15-16 को बदला गया है और संशोधन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए। संशोधन का लक्ष्य अनुच्छेद 46 के तहत राज्य के नियुक्ति निर्देशक सिद्धांतों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना ताकि समाज में के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। अगला हमारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और एवं आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया गया। यह केंद्रीय वाणिज्य एवं मंत्रालय के तहत काम करता है करेगा। GMGR की 102वीं जयंती मनाने के लिए सिक्के जारी किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड़ी के पलानी स्वामी ने DIG रामचंद्रन DIG रामचंद्रन की 102वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 105 रुपए के मूल वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के जारी किए। डॉक्टर MG रामचंद्रन को लोकप्रिय रूप से MGR के नाम से जाना जाता है। ये अभिनेता फिल्म निर्माता और राजनीतिक थे। इन्होंने 1977 से 87 के बीच 10 वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला है भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया परिसर में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की 122वीं जयंती को उपलक्ष्य में नई दिल्ली के लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। लाल किला परिसर में संग्रहालय का होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि INA सुनवाई लाल किला परिसर के भीतर आयोजित हुई थी। नई दिल्ली में लाल किले में एक और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। याद है जलिया संग्रहालय 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियावाला बाघ हत्याकांड का एक प्रमाणिक विवरण प्रदान करता है। भारतीय कला पर दृश्य कला संग्रहालय 16वीं शताब्दी से भारत की स्वतंत्रता तक भारतीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। 1857 का संग्रहालय भारत की स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक कथा का वर्णन करता है जो कि इस अवधि के दौरान भारतीय द्वारा की गई वीरता और बलिदानों को प्रदर्शित करता है। अगला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने शब्द नारी शक्ति को वर्ष 2018 का शब्द चुना है। यह घोषणा जयपुर साहित्य महोत्सव में की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज स्वदेशी रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। यह दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है। ट्रेन 18 मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित एक विश्व स्तरीय रेलगाड़ी है। 16 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को भारतीय इंजीनियर द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 18 महीने में बनाया गया है। अगला है हमारा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संरक्षण क्षमता महोत्सव को हरी झंडी दिखाई। उसका उद्देश्य लोगों में भविष्य के लिए तेल और गैस संरक्षण की आवश्यकताओं उसे बचाने के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा बढ़ावा देना है। संरक्षण क्षमता महोत्सव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की देखरेख में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। अगली बात करते हैं दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को गुजरात के नवसारी जिले में दांडी स्थान पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है। यह स्मारक महात्मा गांधी के स्वदेशी स्वच्छ और सत्याग्रह आदर्शों को समाहित करता है। अगला हमारा IIT हैदराबाद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में BTech पाठ्यक्रम शुरू किया है। IIT हैदराबाद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तकनीक में एक पूर्ण स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
आईआईटी हैदराबाद देश का पहला संस्थान है जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी में स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू की है। आईआईटी हैदराबाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बीटेक के पाठ्यक्रम शुरू करने वाला विश्व में तीसरा संस्थान बना। अगला हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। भारत ने अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी को। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। 70वें गणतंत्र दिवस परेड का विषय था गांधी का जीवन रहा जो कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि थी। जम्मू और कश्मीर के लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के सबसे बड़े शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पूर्व महिला असम राइफल्स टुकड़ी ने इस साल गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भाग लिया लेकर इतिहास रचा। गणतंत्र दिवस परेड में ICAR की झांकी ने अपने किसान गांधी विषय के लिए पहला पुरस्कार जीता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी मिश्रित खेती खुशियों की खेती के साथ गांधी को बकरियों और गाय तथा कस्तूरबा गांधी को चरखे और जानवरों की देखभाल में संलग्न होने के साथ चित्रित किया गया। अगला हमारा GNPT दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय बंदरगाह बन गया। भारत के प्रमुख कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को नवीनतम लॉयड रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों की सूची में शामिल किया गया। JNPT अपनी पिछली रैंकिंग की तुलना में 5 पायदान ऊपर 28वें स्थान पर आया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे नेहावर सेवा के नाम से भी जाना जाता है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बना। यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व में स्थित है। अगला हमारा स्टेट ऑफ टैलेंट अधिग्रहण रिपोर्ट 2019। रिपोर्ट को मर्सर मेटल द्वारा जारी किया गया। भारत की कंपनियों ने 2019 में अपनी नियुक्ति बजट में 34% और 31% की वृद्धि की उम्मीद है। नियुक्ति में इस वृद्धि के कारण कंपनियों से पिछले वर्ष 20% आवंटित बजट की तुलना में इस वर्ष न्यूनतम 34% तक बजट बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट उल्लेख करती है कि तकनीक क्षेत्र में सबसे अधिक उम्मीदवार लगभग 88% आवेदन करते हैं लेकिन इस क्षेत्र में सबसे कम उम्मीदवार 49% का चयन होता है। अगला हमारा शहरी समृद्धि उत्सव। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सबसे निर्धन और सबसे कमजोर वर्गों तक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से पूरे देश में शहरी समाज उत्सव नाम से एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अगला हमारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भारत का दूरसंचार घनत्व आंकड़े जारी किए। भारत में मोबाइल फोन ग्राहकों की कुल संख्या नवंबर के महीने में 17.39 लाख ग्राहकों के जुड़ने के साथ महीने के अंत तक कुल 117.18 करोड़ थी। नवंबर 2018 तक बेतार सब्सक्राइबर की बाजार हिस्से में निजी क्षेत्र में कंपनियों का 89.99% था जबकि देश की सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयां भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड की बाजार हिस्सेदारी मात्र 10.01% थी। रिलायंस जियो नवंबर 2018 में देश भर में लगभग 88.01 लाख ग्राहकों को जोड़कर उपभोक्ता दौड़ में शीर्ष पर बनी हुई है। भारत सरकार द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड ने नवंबर में लगभग 3.78 लाख ग्राहकों को जोड़कर अपनी कुल उपभोक्ता संख्या को 11.38 करोड़ कर लिया है। एयरटेल ने नवंबर में लगभग 101.02 लाख नए ग्राहकों को जोड़कर उसकी कुल संख्या 34.18 करोड़ थी। दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया ने लगभग 65.26 लाख ग्राहकों को खो दिया है। अगला केंद्र ने 102 शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए 5 पंचवर्षीय योजना शुरू की है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2024 तक 102 भारतीय शहरों में विषाक्त कण पदार्थ को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। NCAP एक मध्य अवधि की पंचवर्षीय योजना होगी जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 से होगी और सांद्रता की तुलना के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष माना जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए की धन राशि को मंजूरी दी गई है। अगला हमारा चुनाव आयोग ने सभी दलों को चुनाव में सिर्फ 24 घंटे पहले ई विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर चुनाव से 48 घंटे पहले अंतिम रूप से राजनीतिक विज्ञापनों को रोकने के लिए कानून में संशोधन की मांग की है। जबकि जनप्रतिनिधि
कानून की धारा 126 चुनावों से पूर्व मौन अवधि में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों को प्रसारित करने से रोकती है। चुनाव आयोग ने भूटान के चुनाव आयोग के साथ समझौते ज्ञापन के नवीकरणीय पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर भारत के चुनाव आयोग ने भूटान के चुनाव आयोग के साथ चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। कपड़ा मंत्रालय ने और भारत सरकार ने भारत के हथकरघा वस्त्र क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एलिफेंटा गुफाओं यूनेस्को में आर्टिसियन स्पीक की शुरुआत की है। अगला हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए एम्स संस्थानों की मंजूरी दी है। 3 नए एम्स संस्थान है जम्मू क्षेत्र के समा में विजयनगर में, कश्मीर क्षेत्र के पुलवामा में अवंतीपुरा तथा गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध प्रकाशन को मजबूत बनाने के लिए केयर की स्थापना करेगा। यूजीसी ने शैक्षणिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए परिसंघ स्थापित करने का निर्णय लिया है। कंसोर्टियम और एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स को सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान पद्धति आदि के लिए पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और फिर संकलित करने का काम सौंपा है। यूजीसी ने प्रोफेसर पी बलराम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो शोध को बढ़ावा देने से संबंधित अपने गुणवत्ता आदेश की समीक्षा करने और मौजूदा एमफिल पीएचडी नियमों की समीक्षा करेगी। अगला हमारा, एएसआई ने वर्ष 2018 में 6 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। संस्कृति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2018 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा खंडहर अधिनियम 1958 के तहत 6 स्मारकों को संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की घोषणा की है। नागपुर महाराष्ट्र में 125 वर्षीय पुराना उच्च न्यायालय भवन, उड़ीसा के बोलनगिर जिले में रानीपुर झारेल में मंदिरों का समूह, आगरा में 2 मुगल काल के स्मारक आगा खां और हाथी खां की हवेली, राजस्थान के अलवर जिले में नीम राना बावली, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के कोतली में विष्णु मंदिर। अगला हमारा, हज यात्रा पर वस्तु कर सेवा कर को 18% से घटाकर 5% कर किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज पर वस्तु एवं सेवा कर को 18% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। अगला, नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग का भारत दौरा हुआ है। रायसीना संवाद का 4th संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौजूदगी में एक उद्घाटन भाषण दिया है। दक्षिण रेलवे ने देश के सभी 17 रेलवे क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए पहला स्थान हासिल किया है। अखिल भारतीय स्तर पर IRCTC द्वारा प्रीमियम श्रेणी की रेलगाड़ियों के अतिरिक्त रेलगाड़ी वर्ग में हाल ही में किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में उपलब्धि हासिल की है। अगला, हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने गोवा के डावोलियम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले भौगोलिक संकेतक स्टोर का उद्घाटन किया है। अगला हमारा, सखी केंद्र वन स्टॉप सेंटर या वन स्टॉप सेंटर केंद्र सरकार की पूंछ पे आयोजित योजना है। एक केंद्र महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत निर्भया फंड के माध्यम से स्थापित किया गया है। अगला हमारा, राष्ट्रपति ने बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2019 को अनुमति दी है संशोधन करके। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 जिसे 3 जनवरी 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया, उस पर 10 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। फिर वो बिंदु देखते हैं इसके, इस विधेयक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि स्कूल में कोई रोक नहीं नीति को समाप्त किया जा सके। अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के तहत किसी भी छात्र को 8वीं कक्षा तक रोका नहीं जा सकता है। संशोधन के अनुसार यह राज्यों को तय करने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि आगे नो डिटेक्शन पॉलिसी को जारी रखा जाए या नहीं। अब राज्य कक्षा 5 और कक्षा 8 या दोनों अंत में एक नियमित परीक्षा कराने का चयन कर सकता है। किसी छात्र को असफल हो जाने के पर संशोधन विधेयक उसे 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। यदि छात्र अभी भी परीक्षा पास नहीं करता है तो राज्य सरकार उन्हें रोकने का निर्णय ले सकती है। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम, बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम अधिकार अधिनियम 2009
छह से चौदह बच्चों वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान है कि स्कूल में दाखिल किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी कक्षा में वापस नहीं भेजा जाएगा अथवा स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। अगला हमारा भारत का सत्य रूप, सात चोटियों, सात ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही बन गया। पर्वतारोही सत्य रूप सिद्धांत ने अंटार्कटिका के सर्वोच्च बिंदु माउंट शिडली पर विजय प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ वह सभी महाद्वीपों में सात सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। अगला हमारा रीमा सिंह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बन गई। अरुणिमा सिंघा, इनका जन्म 20 जुलाई 1988 में माउंट में हुआ था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बन गई। केंद्र ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लखनऊ में एकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। जूली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम मंडिक किशोर हवाई अड्डा कर दिया गया। अंग्रेजी काल के रेलवे स्टेशन रॉबर्ट्सगंज का नाम बदलकर सोनभद्र कर दिया गया। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। अगला, सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात संवर्धन सेल की स्थापना की है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक स्थायी परिस्थिति तंत्र बनाने हेतु एक निर्यात प्रोत्साहन सेल की स्थापना की है। अगला, भारत रेल में गो ग्रीन पहल, रेल ने गो ग्रीन के लिए कुछ प्रमुख पहले अपनाई है। रेल मंत्रालय ने 2021 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना बनाई है, जो रेलवे को नवीकरणीय स्रोत से लगभग 10% विद्युत ऊर्जा आपूर्ति देने में सहायता करेगा। अगला हमारा, भारतीय वन सेवा का नाम बदलकर भारतीय वन एवं जनजातीय सेवा किया गया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भारतीय वन सेवा का नाम बदलकर भारतीय वन एवं जनजातीय सेवा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परामर्श नोट की शुरुआत की है। अगला हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 उच्च शिक्षा पर आंकड़े विश्लेषण और विशेषज्ञता प्रदान करने वाले लंदन स्थित एक वैश्विक संगठन टाइम्स हायर एजुकेशन ने इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 जारी की है। 2019 की रैंकिंग में चार महाद्वीपों में 43 देशों के 450 विश्वविद्यालय शामिल है। भारत में नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया। पिछले साल के 42 संस्थानों की तुलना में इस साल 49 संस्थानों में से इस सूची में अपना नाम दर्ज किया है। भारतीय विश्वविद्यालय में इस प्रकार है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 14वीं रैंक के साथ भारतीय संस्थानों में रैंकिंग में सबसे ऊपर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे 27वें स्थान पर है, IIT रुड़की 35वें स्थान पर, IIT कानपुर 46वें स्थान पर, IIT खड़गपुर 55वें स्थान पर है। ध्यान दें कि चीन वार्षिक सूची में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश रहा है, जिसमें 72 संस्थान थे। तालिका के शीर्ष 5 स्थानों में से 4 पर चीन के विश्वविद्यालय काबिज हैं। सेंगुआ विश्वविद्यालय ने इस वर्ष के शीर्ष संस्थान के रूप में पेकिंग विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ दिया है। अगला हमारा, एटा ने न्यूनतम चालक बीमा सुरक्षा बढ़ाकर 15 लाख कर दिए। नियामक ने सभी जनरल इंश्योरेंस को निर्देश दिए कि वार्षिक पॉलिसी के लिए 750 रुपये प्रति वर्ष किस्त धनराशि पर सभी वर्गों के वाहनों को देयता के तहत मालिक चालक के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा के तहत न्यूनतम 15 लाख रुपये का CSI प्रदान करेगा। करना हुआ, वर्तमान में मोटर दोपहिया और निजी कारों वाणिज्यिक वाहनों के लिए इस खंड के तहत बीमा राशि क्रमशः 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये है। अगला हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 350 रुपये का स्मरणीय सिक्का जारी किया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश को समर्पित किया। झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 100 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया। अगला है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलोर में इसरो की उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो कि इसरो बेंगलोर में आयोजित किया गया था। इसरो ने 3 बेंचों में 45 देशों के 90 अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अगला हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक कर्मचारी आदेश के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब मंत्रालय की भूमिका संसदीय मामलों में NHA के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य जैसे वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुत करना तक सीमित रहेगी। NHA के प्रशासनिक बोर्ड की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करेंगे, जबकि इसके सदस्यों में नीति आयोग के CEO और NHA के CEO शामिल होंगे। अगला हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मेघालय राज्य पर अवैध कोयला खनन रोकने में नाकाम रहने पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अगला हमारा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की शुरुआत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता स्तर में उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अगला हमारा केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 1140 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह अनुमोदन नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये थे 2019 जनवरी से लेकर सितंबर तक राष्ट्रीय घटनाएं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामले की घटनाएं।